आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान राजीव शिक्षित जी का स्वागत एवं माल्यार्पण करने के लिए मैं स्वास्थ्य कल्याण संस्थान के प्रबंध निदेशक डॉक्टर एस सरवंती से आग्रह करूंगा कि वे उनका माल्यार्पण कर उनका स्वागत करूंगा कि वे मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर उनका स्वागत है जो कि नर्सिंग कॉलेज के अध्यक्ष हैं। सभी अध्यापक साथियों, इस पूरे परिसर को संचालित करने वाले सभी सम्माननीय संचालक मित्रों, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। विशेष रूप से श्री कौशल किशोर जी का जिन्होंने ये आयोजन किया और मुझे आपसे भारत और यूरोप की चिकित्सा पद्धतियों के बारे में बात करने का समय दिया। पिछले कुछ वर्षों से मैं भारत और यूरोप दोनों का अध्ययन करने का प्रयास कर रहा हूँ। लगभग मुझे 10-12 वर्ष हो गए। इन 10-12 वर्षों में भारत और यूरोप के बारे में जो भी कुछ अध्ययन करने की मैंने कोशिश की, उसके लिए कुछ दस्तावेज जुटाए, कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, और वो दस्तावेज सिर्फ भारत से ही नहीं, यूरोप के भी कई देशों से लिए। धीरे 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 दस्तावेजों की संख्या लगभग 50,000 हो गई। उनका अध्ययन और अभ्यास करके मुझे जो समझ में आया वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे भारत की जो चिकित्सा पद्धति है और यूरोप की जो चिकित्सा पद्धति है, दोनों में काफ़ी कुछ भिन्नता है। दोनों अलग अलग हैं और ये भिन्नता जो है वो एक विशेष कारण से है, और वो कारण ये है कि भारत की जो प्रकृति है, भारत का जो पर्यावरण है, भारत का जो वातावरण है, वो यूरोप की प्रकृति, यूरोप के पर्यावरण और वातावरण से बिल्कुल अलग है। एक देश अगर पूर्व का है तो दूसरे पश्चिम के हैं। अगर गणित से कहें तो 180 डिग्री का अंतर है। ये जो भिन्नता है भारत में और यूरोप में, यही भिन्नता जीवन के हर क्षेत्र में है। भारत एक ऐसा देश है जिसको दुनिया में समशीतोष्ण जलवायु का देश माना जाता है। समशीतोष्ण का अर्थ होता है जहाँ ना ज़्यादा बहुत गर्मी पड़े, ना ज़्यादा बहुत सर्दी हो, ना ज़्यादा बरसात हो, जो भी कुछ हो वो सब समान हो। गर्मी, सर्दी, बरसात, हेमंत, शिशिर, शरद, जो भी ऋतुएं आए, जो भी जलवायु हो, वो एक जैसी हो, समान हो, अति भी ना हो और कमी भी ना हो, ऐसे देशों को समशीतोष्ण कहा जाता है। भारत के बारे में दुनिया के सभी जो विशेषज्ञ हैं मौसम विज्ञान के, वो मानते हैं कि ये समशीतोष्ण देश है। यूरोप के बारे में सभी मौसम विज्ञानी कहते हैं कि यूरोप में दो ही मौसम होते हैं, एक तो ठंड होती है और एक भयंकर ठंड होती है। ठंड का अर्थ है जब तापमान 0 डिग्री के आसपास हो या 0 से लेके 4-5 डिग्री के बीच में रहे। भयंकर ठंड का मतलब है जब तापमान 0 से नीचे हो और -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। कभी कभी तो कुछ देश ऐसे हैं जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, वहां -40 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाए। अब जरा सोचिए, कोई देश ऐसे जहां पर न्यूनतम तापमान -40 हो जाए, और कोई देश ऐसा जहां का अधिकतम तापमान +50 हो जाए, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। आपका शरीर जो है ना, वो तापमान के हिसाब से अपने आप को बदलता है, या शरीर की कुछ प्रणालियां ऐसी हैं जो शरीर को तापमान के हिसाब से व्यवस्थित करती रहती है। यूरोप के लोग एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां बहुत सर्दी का उन्हें सामना करना पड़ता है,
और सर्दी भी ऐसी होती है जिसमें तीन तीन महीने लगातार बर्फ गिरती रहे, बर्फ सड़कों पर जमा रहे, खेतों में बर्फ पड़ी रहे, तालाबों में बर्फ ही बर्फ दिखाई दे, छतों पर बर्फ हो, गलियों में बर्फ हो, नालियों में बर्फ हो, हर जगह बर्फ। और वहां की सरकार का तीन चार महीने तक तो मुख्य कार्यक्रम ही ये है, बर्फ को सड़कों से हटाना। उसके लिए बड़े बड़े बुलडोजर होते हैं, वो बुलडोजर रात दिन एक ही काम करते हैं। यूरोप में कभी भी आप जाएंगे तो सभी घरों में लगभग दो दरवाजे होते हैं, एक तो सड़क पर खुलता है और एक छत पर खुलता है। ये सड़क वाला दरवाजा जब बंद हो जाता है तो छत वाला दरवाजा इस्तेमाल किया जाता है। कब बंद होता है? कभी कभी यूरोप में इतनी बर्फ पड़ जाती है कि सड़क पर दरवाजे की कुल ऊंचाई के बराबर बर्फ जम जाती है। गाड़ियां जो होती है ना, कारें, वो बर्फ के नीचे दब जाती है, फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल है, और निकल आई तो स्टार्ट होना और भी मुश्किल है। ऐसे हाल उनके हर साल होते हैं। आप थोड़ी कल्पना करो, आप तो जयपुर में रहते हो, कभी कभी जयपुर का तापमान 0 डिग्री के आसपास आ जाता है। जब चुरू का तापमान 0 के आसपास हो तो जयपुर भी लगभग वैसा ही हो जाता है। आप जरा सोचो क्या हाल होता है। 15 दिन तक हमारे देश में कोई काम ही नहीं होता है, कभी कभी 20 दिन हो जाते हैं। जब भारत के कुछ पूर्वी और उत्तरी इलाकों का तापमान 5 डिग्री 4 डिग्री 6 डिग्री के आसपास आ जाए, हवाई जहाज उड़ना बंद कर देते हैं। 20-25 दिनों तक फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं या पोस्टपोन होती रहती है। इतना फॉग होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता है, 1 मीटर आगे का कुछ पता नहीं चलता है, गाड़ियां चलाना मुश्किल हो जाता है, हाईवे पर जाना मुश्किल हो जाता है। सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या आधी से भी कम हो जाती है, स्कूल कॉलेजों की उपस्थिति घट जाती है, घरों में मैंने देखा है कि सब काम ठप पड़ जाते हैं, बस एक कोयले की अंगीठी जलाओ या हीटर जलाओ, उसके चारों तरफ बैठकर तापते रहो और भगवान से प्रार्थना करते रहो कि ये ठंड कब जाए कब जाए। ये तो थोड़े समय के लिए होता है भारत में, मुश्किल से 15-20 दिन तब हमारा ये हाल हो जाता है। तो जरा यूरोप की कल्पना करो जहां महीनों महीनों यही हाल होता है। ये भिन्नता है हमारे में और यूरोप में, और ये भिन्नता किसी मनुष्य की बनाई हुई नहीं है, प्रकृति की दी हुई है, प्रकृति की पैदा की हुई भिन्नता है। एक और भिन्नता है हमारे भारत के बारे में, सारी दुनिया के मौसम विज्ञानी एक बहुत बड़ी बात करते जो शायद आप जानते हो तो अच्छा है, नहीं तो हमेशा याद रखें इसको। दुनिया के सभी मौसम विज्ञानी कहते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में 16 तरह की जलवायु है, 16 तरह के मौसम है। इनको तकनीकी भाषा में 16 क्लाइमेट जोन्स कहा जाता है। और सारे मौसम विज्ञानी कहते हैं कि दुनिया में 200 देश हैं, इनमें अलग अलग ये 16 तरह की जलवायु है या 16 तरह के मौसम है, लेकिन भारत अनोखा ऐसा देश है जहां सारी की सारी 16 जलवायु एक साथ मिलती। हाँ, और भारत को छोड़ दुनिया के मौसम विज्ञानी कहते हैं कि मौसम के हिसाब से, पर्यावरण और प्रकृति के हिसाब से दुनिया में कोई विशेष देश है, यूनिक है, तो वो ये भारत देश है। ये क्लाइमेट जोन्स पता है कैसे होते हैं? टेम्परेचर के हिसाब से फिक्स किए जाते हैं। एक टेम्परेचर मान लिया 0 डिग्री से 10 के बीच में, दूसरा मान लिया 10 से 20 के बीच में, तीसरा 20 से 30 के बीच में, चौथा फिर उसके आगे, फिर 0 के नीचे, इस तरह से फिक्स किए गए हैं क्लाइमेट जोन्स। तो सब मौसम विज्ञानी कहते हैं कि भारत में लगभग सभी तरह के क्लाइमेट जोन्स हैं। और इसको मूर्त रूप में मैं कहूं, ये तो अमूर्त बात हुई, कुछ मूर्त बात अगर कहूं तो, अगर आप भारत में अफ्रीका के रेगिस्तानी जलवायु को देखना चाहें
तो राजस्थान के जैसलमेर में आ जाइए, आपको अफ्रीका का रेगिस्तान वहां दिखाई दे जाएगा। अगर आप भारत में स्विट्जरलैंड की बर्फ गिरती हुई देखना चाहें तो जम्मू कश्मीर में चले जाइए, उत्तरांचल में चले जाइए, आपको वो दिखाई दे जाएगा। अगर आप इस भारत में धूल भरी आंधियां जो कभी चला करती हैं ब्राजील में, मैक्सिको में साल के कुछ महीने, वो देखना चाहें तो उत्तर और मध्य भारत के बहुत सारे स्थानों पर दिखाई दे जाएंगे। जो आप भारत में भयंकर बारिश का कोई क्षेत्र देखना चाहें, जैसे अमेजन के आसपास का है लैटिन अमेरिका में, तो वो भारत में आपको कर्नाटक में मिलेगा, गोवा में मिलेगा, जहां साल में 8 महीने बारिश होती रहती है और साल के 3 महीने तो ऐसी बारिश होती है कि पानी रुकता ही नहीं है। कर्नाटक में एक इलाका है जिसको कुर्ग कहते हैं, वहां 3 महीने बारिश ऐसी होती है कि रुकेगी नहीं, हल्की हो जाएगी तेज हो जाएगी, हल्की हो जाएगी तेज हो जाएगी। ऐसा ही वातावरण ब्राजील में है, मैक्सिको में है, अमेजन नदी के आसपास के जो जंगल है ना, जिनको रेन फॉरेस्ट कहा जाता है दुनिया में, वो अगर भारत में देखना हो तो गोवा है, कुर्ग है कर्नाटक का, थोड़ा बहुत इलाका हो तो चेरापूंजी चले जाओ, बंगाल आसाम के आसपास आ जाओ। और अगर भयंकर सूखे वाला देखना हो, जहां साल में 2 इंच भी बारिश ना हो, तो वो देखना हो तो गुजरात चले जाओ, कच्छ नाम का एक जिला है जहां मुश्किल से 2 इंच बारिश होती है। वैसे तो राजस्थान में भी कुछ जिले हैं लेकिन इस बार उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए 100 साल पुराने। मैं कहना यह चाहता हूं कि कोई भी मौसम आपको देखना है तो भारत में उपलब्ध है। मैं पिछले 7-8 वर्षों से राजस्थान आता हूं, थोड़ा माइक्रो लेवल पे मैंने देखा तो भारत के सारे मौसम राजस्थान में भी उपलब्ध है। भयंकर ठंड, चुरू जिंदाबाद, भयंकर गर्मी, उसके लिए भी चुरू जिंदाबाद, +50 चला जाएगा। बहुत बारिश देखनी हो तो कोटा और आसपास देख लो, बिल्कुल सूखा देखना हो तो जैसलमेर और बीकानेर की तरफ चले जाओ। माने भारत तो दुनिया में है और भारत में राजस्थान, ये है कुछ हमारे देश के बारे में अलग बात जो यूरोप में नहीं है। यूरोप में कोई दो देश ऐसे नहीं है जहां पर एक साथ आपको सभी मौसम दिखाई दें। इसलिए यूरोप वाले कुछ मामलों में बहुत गरीब हैं और उनकी गरीबी यही है कि मौसम उनको अनुकूल नहीं मिला है। अब मौसम की प्रतिकूलता है वहां पर, भयंकर प्रतिकूलता है, उसी प्रतिकूलता में वो बेचारे हजारों साल से जिंदा हैं, तो उनको जिंदा रहने के लिए दो तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं, एक तो मौसम के साथ, जलवायु के साथ, दूसरा अपनी जिंदगी को टिकाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए। भारतवासी इस मामले में भाग्यशाली है कि उनको मौसम के साथ कोई बड़ा संघर्ष नहीं करना पड़ता ज्यादा, यहां तो बड़ा संघर्ष जिंदगी को चलाए रखने का ज्यादा है। यूरोप के जिन नागरिकों को हजारों साल से मौसम से लड़ना पड़ रहा है, वो लोग भी वैसे ही हो गए हैं जैसे उनका मौसम है। उनका मौसम माने ठंडा और भयंकर ठंडा, ऐसे ही वो लोग हैं, बर्फ जैसे ही हो गए। मैंने एक बार मेरे ऊपर एक छोटा सा प्रयोग किया था, बर्फ की 4 सिल्लियां मंगाई और चारों तरफ लगा के मैं बीच में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर बर्फ जैसा ही होता जा रहा है, पैर के घुटने एकदम कड़क हो गए, पांव की उंगलियां कड़क हो गई, हिलाना भी मुश्किल, हाथ पैर की उंगलियां कड़क हो गई। फिर मैंने कहा थोड़ी देर लेट के देख लो, तो लेट गया तो सिर ऐसा ठंडा हो गया जैसे लगे कि बर्फ बांधी हो किसी ने सिर पर। तब मैंने महसूस किया कि मैं तो 1 घंटे में परेशान हो गया बर्फ की सिल्लियों के बीच में बैठकर और लेटकर। बेचारे यूरोप वालों का सोचो जो हजारों साल से बर्फ चारों तरफ है और उसी में बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं और वही उनकी जिंदगी है। थोड़ा आगे बढ़े, भारत की और यूरोप की भिन्नताओं में से एक भिन्नता और है कि यूरोप में चूंकि बर्फ बहुत है, ठंडी बहुत है, इसलिए सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक नहीं है वहां पर।
भारत एक ऐसा देश है जिसको भगवान ने ऐसा कोई वरदान दे रखा है जहां हर दिन सूर्य का प्रकाश होता है। इस देश में साल में मुश्किल से 2 या 3 दिन ऐसे जाते हैं जब सूर्य ना दिखाई दे, लेकिन सूर्य की तपन बराबर रहती है, आंच बराबर महसूस होती है। सूर्य नहीं दिखे तो बात अलग है, उसकी गर्मी का एहसास हम बराबर कर सकते हैं। यूरोप में ऐसा नहीं होता। यूरोप में कई कई महीने ऐसे होते हैं जब सूर्य ही दिखाई नहीं देता, और जिस दिन उनको सूर्य दिख गया उस दिन वो पागल हो जाते हैं सबके साथ। हाँ, और वही दिन उनका संडे हो जाता है, सूर्य का दिन, और उस दिन वो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहने लगते हैं, क्योंकि आज की सुबह बहुत अच्छी है क्योंकि सूर्य दिख गया। भारत में एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग, हजारों साल से है, अगले हजारों साल रहने वाला है, तो यहां सूर्य का प्रकाश भरपूर है, यूरोप में बहुत ही कम है। अगर आप ग्रीनलैंड की तरफ चले जाएं तो वहां तो ऐसी बुरी हाल है, 8 महीने 9 महीने सूर्य लगातार दिखने को मिलेगा ही नहीं, इतना बुरा हाल है उस इलाके का। अब आप जरा थोड़ा गंभीरता से सरल बातें समझने की कोशिश करो। जिस देश में सूर्य का प्रकाश भरपूर होगा वहां पर पेड़ पौधों की प्रजातियां बहुत होंगी, और जिस देश में सूर्य का प्रकाश ही नहीं होगा वहां जमीन में से कुछ घास का तिनका भी पैदा नहीं होगा। आप जानते हैं भूमि में कितना भी अच्छा बीज डालो, कितनी भी अच्छी खाद लगाओ, कितना भी सुंदर से सुंदर व्यवस्था करो उसकी, और कितनी भी अच्छी व्यवस्था करो पानी की, लेकिन जो सूर्य का प्रकाश नहीं हो और गर्मी ना मिले तो बीज में से अंकुरण नहीं होता। यूरोप की कल्पना करो, जहां खेतों में महीनों महीनों बर्फ जमी रहे वहां तो घास का तिनका भी नहीं उग सकता। तो इसलिए यूरोप के देशों में पेड़ पौधे ज्यादा नहीं होते, अर्थात पेड़ पौधों में विविधता नहीं होती, अर्थात वहां के जंगलों में बहुत किस्म के पेड़ पौधे नहीं मिलते। ले दे के 2-4 तरह के वृक्ष यूरोप के सभी देशों में दिखाई देते। कभी कभी तो इतना तकलीफ हो जाती है कि यूरोप का एक देश छोड़ के दूसरे में घुस गए, पता ही नहीं चलता कि देश बदल गया, जब तक कि कोई बोले नहीं और समझ में नहीं आए कि ये भाषा फ्रेंच से अब जर्मन हो गई है, जर्मन से इटालियन हो गई है, इटालियन से डच हो गई है, डच से पोर्चुगीज हो गई है, फिर स्पेनिश हो गई है, तब पता चलता है कि जी हमने देश बदल दिया, वरना पेड़ों को देखकर, मनुष्यों को देखकर पता ही नहीं चलता कि हमने देश बदल दिया। पेड़ पौधे उनके यहाँ बहुत ही कम है, अर्थात अंग्रेजी का एक शब्द बायोडायवर्सिटी उनकी बहुत खराब है या बहुत पुअर है, या वो बायोडायवर्सिटी में बहुत गरीब है। भारत देश में इसका उल्टा है, सूर्य का प्रकाश भरपूर है, मिट्टी यहाँ की बहुत अच्छी है, यूरोप की मिट्टी भी अच्छी नहीं है। आप जरा सोचो, अगर किसी मिट्टी पर महीनों महीनों बर्फ पड़ी रहे तो वो मिट्टी न रह के पत्थर हो जाएगी, और उस पत्थर में से कुछ भी उगना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वहां की मिट्टी भी पत्थर जैसी है, यहाँ की मिट्टी एकदम नरम है, मक्खन के जैसी। भारत में कई क्षेत्रों की मिट्टी तो ऐसी है कि नंगे पांव आप खेतों में चले जाओ घुटने तक का पैर मिट्टी में अंदर धंस जाता है, इतनी नरम, इतनी कोमल, इतनी मुलायम। अगर मिट्टी नरम है तो बारिश के पानी को ज्यादा पकड़ेगी, मिट्टी नरम है तो सूर्य का प्रकाश नीचे तक जाएगा, मिट्टी नरम है तो हवा भी अंदर तक आएगी। तो हर पेड़ के पौधे की जड़ को या बीज को भरपूर मात्रा में बारिश का पानी मिल जाता है, सूरज की धूप भी मिल जाती है और हवा भी मिल जाती है, तो उनकी जो बढ़त है, ग्रोथ है, वो बहुत अच्छी होती है। यूरोप में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। तो वहाँ की मिट्टी भी कड़क है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो पेड़ पौधे बहुत कम हैं, जैव विविधता बहुत कम है, बायोडायवर्सिटी बहुत कम है। अब जरा सोचो, जिन देशों में पेड़ पौधे ही नहीं हैं तो वहां जड़ी बूटियां भी कम होंगी, क्योंकि जड़ी बूटियां पेड़ पौधों का ही हिस्सा है।
तो जिन देशों में पेड़ पौधे कम होंगे वहां की जड़ी बूटियां कम होंगी, और अगर जड़ी बूटियां बहुत कम हैं तो वहां आयुर्वेद नहीं होगा। वो कितनी भी ताकत लगा लें वहां आयुर्वेद नहीं होगा। अगर उनको अपने यहां आयुर्वेद चलाना है तो वो भारत की मदद से ही चलेगा, उनकी अपनी ताकत नहीं है उन जड़ी बूटियों को पैदा करने की। हमारे बहुत सारे मित्र कहते रहते हैं, देखो राजीव भाई यूरोप में आजकल आयुर्वेद का बहुत प्रचार हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है। हाँ वो हो रहा है भारत से ले जाई गई जड़ी बूटियों के आधार पर, या भारत के पड़ोसी देश चीन से मंगाई गई जड़ी बूटियों के आधार पर। आप सोचेंगे और हैरान हो जाएंगे, यूरोप को और अमेरिका के सभी देश एक साल में 2500 अरब डॉलर की जड़ी बूटियां भारत और चीन से खरीदते, क्योंकि उनके यहां वो होती नहीं है। होगी कहां से? उसको होने के लिए जो मौसम की अनुकूलता चाहिए वो उनके पास है नहीं, तो जड़ी बूटियां होंगी नहीं, तो उस देश में आयुर्वेद कहां से आएगा? उस देश में चरक संहिता कैसे लिखी जाएगी? तो आप ये मान लो कि मौसम ने उनको बेगाना बना दिया, गरीब बना दिया, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत में हमको दिखाई देता है। अब भारत में आ जाएं, यहां वो सब कुछ है, मौसम की अनुकूलता है, प्रकृति की अनुकूलता है, ईश्वर की कोई विशेष कृपा है जो इसी देश में 16 जलवायु हैं। ये सब होने से हमारे यहां बहुत कुछ होगा, जड़ी बूटियां होंगी। एक बार क्या हुआ, मैं उड़ीसा गया था। उड़ीसा में एक पर्वत है, उसका नाम है गंधमार्दन पर्वत। इसका जिक्र हमारे रामचरितमानस में भी है, वाल्मीकि रामायण में भी है, और सबसे अच्छा सुंदर वर्णन इसका रघुवंशम में है, कालिदास ने किया है, गंधमार्दन पर्वत। तो जहां ये गंधमार्दन पर्वत उड़ीसा में है मैं वहीं गया था, जिस गांव में है उसी गांव में गया था, और वहां मेरी एक सभा हुई थी। मैंने उस गांव के सरपंच को पूछा कि भाई ये गंधमार्दन पर्वत बड़ा मशहूर है, भारत के शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन है, जरा बताओ इसकी विशेषता क्या है। तो उसने कहा कि साहब इसकी एक विशेषता ये है कि इस एक पर्वत पर 16,000 जड़ी बूटियां हैं। मैंने कहा नाम मालूम है? उसने कहा 16,000 के तो नहीं मालूम है, 500-600 के तो बता सकता। फिर मैंने कहा किसको मालूम है? तो कहता मेरे दादाजी को 1,000-1,200 का मालूम है। दादाजी के दादाजी मिल गए तो शायद 2,500-2,500 का मालूम हो जाएगा, लेकिन एक ही गांव के छोटे से एक पर्वत पर 16,000 जड़ी बूटियां। तो मैं वहीं नजदीक में एक जिला है, वो जिले का नाम है कालाहांडी, भवानीपट्टनम उसका जिला केंद्र है। दौड़कर गया और वहां के जितने भी बॉटनी के प्रोफेसर थे सबको मैं मिला, तो उन्होंने कहा हाँ ये बात सही है। एक एक प्रोफेसर बोलता है कि मैंने लिस्टिंग किया है, तो कोई प्रोफेसर के पास 2,500 जड़ी बूटियों का लिस्टिंग है, किसी के पास 3,000 का है। एक प्रोफेसर ने कहा मैं 40 साल से काम करता हूं, उनके पास कुछ 7,500-7,500 जड़ी बूटियों की लिस्ट है, क्या क्या गंधमार्दन पर मिलता है, और उनकी इच्छा है कि मैं सबका लिस्टिंग करूं 16,000 का, लेकिन वो कहते हैं कि शायद 2 जन्म इसमें लग जाएंगे, 1 जन्म में ये होने वाला नहीं है। आप सोचो गंधमार्दन पर्वत एक भारत के जिले के एक गांव के नजदीक का छोटा सा पहाड़, वहां पर इतनी जड़ी बूटियां, तो संपूर्ण भारत का जो मुकुट है हिमालय उसकी कल्पना करो। भारत के बहुत सारे पादप विशेषज्ञ, पौधों के विशेषज्ञों से मैं मिला हूं, तो उनका कहना है कि राजीव भाई कम से कम 84-85,000 जड़ी बूटियां तो हिमालय में मिल ही जाएंगी। मैंने पूछा अधिक से अधिक कितनी बताओ, तो उनका वो अभी कैलकुलेशन संभव नहीं है, हमारी इमेजिनेशन काम नहीं करती, कल्पना शक्ति काम नहीं करती। एक बार मैंने सोचा कि संपूर्ण भारत देश के 10 करोड़ विद्यार्थियों को एक बड़े प्रोजेक्ट पे लगा दिया जाए कि तुम्हारे गांव और आसपास में जितनी जड़ी बूटियां हैं उनकी लिस्ट बनाओ, तो शायद 2-4 साल में पूरी लिस्ट बनकर आ जाए, लेकिन 10 करोड़ विद्यार्थी इसमें लगें तो ऐसे ही नहीं आएगी। कितना बड़ा काम है जो अभी तक करने के लिए बाकी पड़ा है और हमें इसका अंदाजा नहीं है। शायद इसलिए नहीं कि भगवान ने भरपूर दे दिया है तो हमें
स्केयर सिटी का अंदाजा नहीं है। ये जो यूरोप और अमेरिका वाले हैं जिनको कुछ मिला नहीं है, वो तड़पते हैं, फड़फड़ाते हैं और वो रोज भारत सरकार पर आकर ऐसे दबाव डालते हैं कि भारत के कानूनों में संशोधन कर दो और हम ये हिमालय की सब जड़ी बूटी खोद कर ले जाएं, भारत के पहाड़ों से जितना मिले वो ले जाएं, ऐसी व्यवस्था कर दो। और इसी व्यवस्था के लिए उन्होंने गेट करार नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता भारत से करा लिया है जिसमें से रास्ते खुल जाएं ताकि भारत की बेशकीमती जड़ी बूटियां बिना किसी अवरोध के भारत के बाहर चली जाएं। वो तड़पते हैं और इतने सारे रिसर्चर्स वहां से आते हैं, यूरोप और अमेरिका से, वो एक ही बात के लिए यहाँ काम करते हैं, किस इलाके में क्या क्या जड़ी बूटियां हैं, कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या मिलता है। अब उन्होंने एक नया रास्ता निकाला है। भारत सरकार कुछ ऐसे मूर्खता के काम करती है, उनमें से एक काम है फॉरेन फंड से एनजीओस चलाना। विदेशी पैसा लिया और एक ट्रस्ट बना लिया, एक संस्था बना ली, एक एनजीओ बना लिया। तो ये जो विदेश में बैठे हुए लोग हैं ना, वो उन एनजीओस को थोड़ा डोनेशन देते हैं और कहते हैं बताओ तुम्हारे इलाके में क्या क्या है। ये मूर्ख लोग यहाँ थोड़े पैसे के लालच में सूची की सूचियाँ बनाते हैं और यूरोप और अमेरिका को भेजते जाते हैं कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, और उनको ये धीरे धीरे पता चल रहा है और धीरे धीरे वो भारत सरकार की बाह उमेट रहे हैं। चीन इस मामले में थोड़ा होशियार है। चीन की सरकार अपनी जड़ी बूटियों के क्षेत्र में विदेशियों को प्रवेश नहीं करने देती है। वो कहते हैं जो रिसर्च करेंगे वो हम करेंगे, परिणाम भी हम पहले जानेंगे, जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बताएंगे, नहीं तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें सभी परिणाम बताएं। वो थोड़े होशियार हैं, हमारे देश के नेता उनसे थोड़े ज्यादा मूर्ख हैं। किसी भी विदेशी को बुलाएंगे, आओ दरवाजा खुला है, जो तुम्हें चाहिए सब लूट के ले जाओ। जैसे वो जहांगीर था ना 400 साल पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी को दरवाजा खोल के बुला लिया, वही जहांगीरों के मानस पुत्र आज भी इस देश में है। आ जाओ, किसी का भी स्वागत है। भारत एक धर्मशाला है, सराय जैसा है, हमने ग्लोबलाइजेशन कर दिया, लिबरलाइजेशन कर दिया, जो तुम्हें चाहिए सब ले जाओ। अब मुश्किल क्या हो रही है कि जब बहुत रेयर माने बेशकीमती जड़ी बूटियों पे कहीं काम होता है तो पता चले वो भारत में नहीं है, कनाडा में है, पता चले भारत में नहीं है, जर्मनी में है, पता हुआ भारत में नहीं है, अमेरिका में है। और उनके जर्नल्स जब आते हैं तो वो पता करते हैं, हमको जानकारी देते हैं कि हमने तो इस पर पेटेंट ले लिया और हम यहाँ ठगे से बैठे हुए रह जाते हैं। अमेरिका ने हल्दी पर पेटेंट करा लिए, नीम पर पेटेंट करा लिए, काली मिर्च पर पेटेंट करा लिए, जीरे पर करा लिए, अजवाइन पर करा लिए, और तो और इडली बनाने के प्रोसेस पर पेटेंट हो गए, सांभर बनाने के प्रोसेस पेटेंट हो गए। हम यहाँ ठगे ठगे से देख रहे हैं, अखबारों में खबर आती है तो पता चलता है। इससे सिद्ध क्या होता है, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमने उसको ध्यान देना बंद कर दिया, बेदरकारी किया। उनके पास कुछ नहीं है तो वो एक एक छोटी छोटी बात के लिए तरसते हैं। अब ये जो भिन्नता है भारत और यूरोप में, चूंकि सूर्य वहां कम है और यहां बहुत ज्यादा है, आप जानते हैं दुनिया में पूरे ब्रह्मांड का केंद्र ही सूर्य है। अगर सूर्य मेहरबान है तो सब कुछ आपके लिए है, और जो सूर्य की मेहरबानी नहीं है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो इस देश में बहुत कुछ ऐसा, तो शायद ऐसे कारण से ही इस देश में आयुर्वेद जन्म लिया होगा। और आयुर्वेद ने जन्म लिया होगा तो ये उतना ही पुराना होगा जितना पुराना भारत है। कुछ विदेशी इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि आयुर्वेद 2500 साल पुराना। कुछ जर्मन्स लोगों ने बोलना शुरू किया भारत का आयुर्वेद 3500 साल पुराना। कुछ ने बोलना शुरू किया भारत का आयुर्वेद 10000 साल पुराना। कोई बोलता है 10000 साल, कोई कहता है 3500 साल, कोई कहता है 2500 साल। वो अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से कहते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि अगर ये 10000 साल का किस्सा है, 2500 साल का किस्सा है, तो वो हनुमान जी गए थे
लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाने के लिए, वो किस्सा तो, और हनुमान जी का किस्सा हम सब जानते हैं, संजीवनी उनको पहचान में नहीं आई तो पर्वती उखाड़ के ले आए। तो जो वैद्य थे ना राम जी की सेना के, जिनका नाम था सुषेण, तो वैद्य सुषेण ने कहा मैंने तुमसे एक बूटी मंगाई थी, तो उन्होंने कहा वैद्य जी मुझे समझ में नहीं आती, मैं पर्वत ले आया। और ये कहानी आगे बढ़ती है रामचरितमानस में तो नहीं रघुवंशम में, कि उस एक छोटे से पर्वत के टुकड़े से कुछ 1200 औषधियां वैद्य सुषेण ने निकाली थी, और उन्हीं औषधियों की ताकत से रामचंद्र जी ने रावण से युद्ध किया था, और युद्ध में घायल अपने सभी सैनिकों को रात भर में दवाओं का लेपन करके अगले दिन फिर लड़ने के लिए तैयार कर दिया था। तो हम कैसे कहें कि ये आयुर्वेद 2000 साल 5000 साल, भगवान श्री राम को ही 8.5 लाख साल से ज्यादा हो गए अगर हम हिसाब निकालें। और जो भगवान राम के पहले की बात करें तो भगवान राम खुद ही कह रहे हैं कि मेरे जो पूर्वज थे रघु दिलीप, वो सभी आयुर्वेद के ज्ञाता थे, माने जड़ी बूटियों का उनको ज्ञान था। अगर राम के पूर्वज उनको भी जड़ी बूटियों का ज्ञान था तो बढ़ते चले जाएं तो ये समय की सीमा तो रुकती नहीं। तब मैंने अपने मन में संतोष के लिए ये तय मान लिया है कि ये भारत की जड़ी बूटियों का विज्ञान या आयुर्वेद उतना ही पुराना है जितना भारत है। अब भारत की उम्र अगर हम जैन शास्त्रों के हिसाब से निकालें तो भगवान आदिनाथ से शुरू होती है, और भगवान आदिनाथ का समय 1-2 साल का नहीं, 1-2 हजार साल का नहीं, कुछ करोड़ वर्षों का है। तो भारत भी कुछ करोड़ वर्षों का है, तो भारत की जड़ी बूटियां भी करोड़ वर्षों की होंगी, क्योंकि भारत में एक चीज जो निश्चित है, बाकी बहुत सारी चीजें बदली होंगी, सूर्य का प्रकाश। ये भगवान आदिनाथ के जमाने में भी होगा और आज सन 2006 में भी है। इस सूर्य के प्रकाश के कारण जैव विविधता बायोडायवर्सिटी उस समय भी रही होगी जो आज है, आज शायद कमी आई है, उस समय इससे भी ज्यादा रही होगी, क्योंकि हमने आज जो विकास का रास्ता अपनाया है उसमें इस जैव विविधता का ही, बायोडायवर्सिटी का ही सबसे ज्यादा नाश हो रहा है। अब थोड़ा आगे बढ़े कि भारत और यूरोप में ये अंतर है, अब उनके पास तो ज्यादा कुछ है नहीं पेड़ पौधों के नाम पर, जड़ी बूटियों के नाम पर, तो दुनिया से जो मिलेगा उसी से वो अपना काम चलाएंगे। हमारे पास चूंकि सब कुछ है इसलिए हमें दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भारत के जितने महान लोग हुए जिनके नाम आप सब सुनते हैं, जैसे एक बड़े महर्षि हुए भरद्वाज, जिनको इस देश में आयुर्वेद के सबसे बड़े ज्ञाता के रूप में जाना जाता है, या बड़े एक महर्षि हुए चरक, एक थे सुश्रुत, जमदग्नि, काश्यप, ये सब लोग तो आज के नहीं हैं, कुछ तो हजारों साल के हैं, कुछ लाखों साल के। तो इनके पास ये सब ज्ञान जो उपस्थित हुआ वो प्रकृति ने मदद की होगी और इसलिए इतना सब हो गया। अब वहां पर यूरोप में तो ये कुछ है नहीं, तो वहां किस तरह की चिकित्सा आई होगी, एक उदाहरण देता हूं। ये जो आधुनिक चिकित्सा है, मॉडर्न मेडिसिनल सिस्टम, जिसका पर्यायवाची इस समय है एलोपैथी, इस एलोपैथी का जनक माना जाता है एक ग्रीक व्यक्ति हिप्पोक्रेटिस। आप जानते हैं उसकी फिलॉसफी क्या है? मैंने हिप्पोक्रेटिस की बायोग्राफी पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी, जो उसने ग्रीक में लिखी थी, बाद में अंग्रेजी हुआ, फ्रेंच हुआ, कई भाषाओं में तर्जुमा हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, कई लोगों ने उस पर टिप्पणियां लिखी हैं। उसकी फिलॉसफी जरा सुनिए। वो ये कहता है कि शरीर में कोई रोग आ गया तो अब इसको दूर करने का एक ही उपाय है कि आपका जो रक्त है ना, ये प्रदूषित हो गया, इसको निकाल दो शरीर से, इसको निकाल दो। इसके अलावा कुछ और मालूम ही नहीं उसको कि कुछ कर सकते हैं क्या। तो उसने ले दे के एक सिद्धांत बनाया कि आपको बुखार हो गया,
तो रक्त प्रदूषित हो गया, इसको निकाल दो। आपको जुकाम हो गया, रक्त प्रदूषित हुआ, इसको निकाल दो। आपको फोड़ा हो गया, रक्त प्रदूषित हुआ, इसको निकाल दो। माने जो भी कुछ है वो निकाल दो, ठीक है। और यही शायद हिप्पोक्रेटिस के वंशज हैं, जो आज किसी का गर्भाशय निकाल देते हैं, किसी का गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं, किसी की किडनी निकाल देते हैं, किसी का कुछ भी निकाल देते हैं। और निकालने के पहले हमको कन्विंस करते हैं, देखो ये तो बेकार है, इसमें अब रखा क्या है। अगर गर्भाशय बेकार ही होता तो भगवान ने क्यों दिया, गॉल ब्लैडर बेकारी होता तो ईश्वर ने क्यों दे दिया, किडनी बेकारी है तो ये क्यों है हमारे शरीर में। अगर सब कुछ ही बेकार है तो ये शरीर को ही काट काट के फेंक दो, इसको रखने की क्या जरूरत है। ये सब हिप्पोक्रेटिस के पुत्र हैं, उसी को अपना वंशज मानते हैं। हिप्पोक्रेटिस क्या कहता था, कुछ बीमारी हुई रक्त निकालो। वो तो बेचारा रक्त तक सीमित था, इन्होंने इतना विकास कर लिया है कि अब कुछ भी निकाल दो। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं, ये हमेशा आप याद रखना। ये जो हिप्पोक्रेटिस ने विज्ञान बनाया, जिसको मॉडर्न एलोपैथिक सिस्टम कहते हैं, इस विज्ञान के शिकार दुनिया भर के लोग हुए, दुनिया भर के लोग। मैं आपको एक नाम सुनाता हूं जो जल्दी आपके समझ में आ जाए। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, मालूम है। ये बेचारे बड़े सीधे साधे व्यक्ति थे, बड़े मेहनती थे। इन्होंने अमेरिका को इंग्लैंड की गुलामी से आज़ाद कराने में बहुत काम किया, बहुत काम किया। और अमेरिका की प्रजा ने उनके काम को देखते हुए उनको पहला राष्ट्रपति बनाया। अमेरिका की आज़ादी आई लगभग 1779 के आसपास, और पहले राष्ट्रपति बने जॉर्ज वॉशिंगटन। आपको मालूम है जॉर्ज वॉशिंगटन की मृत्यु कैसे हुई, हिप्पोक्रेटिस सिद्धांत अपना के। क्या हुआ, वो जब राष्ट्रपति हो गए ना, तो एक बार उनको बुखार आ गया, कुछ वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा। तो वो तो हिप्पोक्रेटिस के पक्के चेले थे, उन्होंने कहा अरे मेरे गुरु ने कहा है कि रक्त प्रदूषित हो गया, तो अब बुलाया उन्होंने एक डॉक्टर को, कहा कि मेरे शरीर से दूषित रक्त निकालो। तो वो एक आया डॉक्टर और उनकी दोनों नसें काट गया, दोनों हाथ की नसें काट दी, लेफ्ट और राइट ये वाली। अब नसें कट गई तो खून भल 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 निकलना शुरू, रात भर निकलता रहा। सवेरे वो डॉक्टर जब आया देखने के लिए तो जॉर्ज वॉशिंगटन मरे हुए मिले। ये कहानी है हिप्पोक्रेटिस सिद्धांत की। जॉर्ज वॉशिंगटन मर गए इस हिप्पोक्रेटिस के चक्कर में, कि खून तुम्हारा खराब हुआ है काट के निकाल दो। अब इनको पता तो है नहीं कि खून बनाना कैसा, काट के निकालना आता है। और ये तो मैंने एक कहानी सुनाई आपको, जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे हजारों राजा यूरोप में, ग्रीस में इसी सिद्धांत के शिकार हुए। एक राजा था, बहुत पुरानी कहानी बताता हूं, चौथी शताब्दी की, क्लॉडियस रोम का, वो भी इसी चक्कर में मरा। उसको भी कुछ बुखार आया और उसके डॉक्टर ने आके नस काट दी उसकी, पैर की भी हाथ की भी, कि खून निकल जाने दो सारा, ये खून निकल गया तो अच्छा हो जाएगा। क्लॉडियस मर गया। डेमोस्थनीज एक बड़ा राजा, वो मर गया। एशुनियस मर गया। ऐसे एक नहीं, 1500-2000 से ज्यादा राजा इसी चक्कर में मर गए। ये है मॉडर्न एलोपैथिक सिस्टम। इसने सारी दुनिया को यह सिखाया है कि देखो साइंटिफिक यही है, जो भी है निकालो निकालो, खून है तो निकालो, किडनी है तो निकालो, गॉल ब्लैडर है तो निकालो, ऐसा ये सिस्टम है। अब भारत में क्या है, भारत में तो ये चलने वाला नहीं है और चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको अगर ये पता है कि बुखार आ गया तो बुखार आने का कारण हमें मालूम है, और अगर कारण मालूम है तो औषधि जिंदाबाद है। एक नहीं 84,000 औषधि है, कोई ना कोई काम करेगी उस पर। तो भारत में जब बुखार आता रहा तो औषधियाँ दी जाती रहीं, जड़ी बूटियाँ दी जाती रहीं और हम ठीक होते रहे। इसलिए हमको कभी काट पीट के रक्त निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने रक्त निकाला युद्ध के मैदानों में, ये नहीं कि ब्लेड काट के अपने ही शरीर से।
और हमारे यहाँ किस तरह का सिस्टम रहा होगा। अभी तो आप पहले तो ये मानते थे, मेरे जैसे लोग जो आधुनिक शिक्षा में से पढ़कर निकले हैं, कि ये जो रामचरितमानस है या राम की कथा है ये सब कल्पना है। और हमारे देश में ये जो वामपंथी लोग हैं ना, लेफ्टिस्ट, वो बहुत चिल्लाते हैं इसमें क्या धरा है, ये तो सब कपोल कल्पना है। लेकिन अभी उन्हीं के मालिकों ने, यूरोप और अमेरिका के बड़े वैज्ञानिकों ने जो नासा में काम करते हैं, उन्होंने सिद्ध किया है कि ये सब सत्य है। आपको मालूम है थोड़े दिन पहले नासा ने कुछ फोटोग्राफ्स रिलीज किए, और वो फोटोग्राफ्स भारत के भगवान श्री राम के बनाए हुए समुद्र सेतु के बारे में हैं। मेरे पास भी वो आए हैं, मेरा एक दोस्त नासा में काम करता है, उसने कहा मैं तुम्हें भी भेजता हूँ। बहुत सुंदर फोटोग्राफ्स हैं, सैटेलाइट से उतारे गए हैं, कैमरे से नहीं। और उन फोटोग्राफ से पता चलता है कि आज से इतने लाख वर्ष पहले श्री राम जी ने लंका जाने के लिए पुल बनाया था, वो पुल आज भी सुरक्षित है। बस इतना ही अंतर है कि पहले वो समुद्र के ऊपर था, अब समुद्र में नीचे है। नीचे कैसे चला गया? हो सकता है पिछले कुछ लाख वर्षों में 2-4 हजार बार सुनामी आ गया हो, और सुनामी आता है तो मंजिलों मंजिलों बिल्डिंग डूब जाती हैं, तो ये पुल भी डूब गया हो। लेकिन डूबने के बाद भी वो टूटा नहीं है, सुरक्षित है। और फोटोग्राफ्स बताते हैं, और वो साफ दिख रहा है। मेरे पास दुर्भाग्य है कि LCD प्रोजेक्टर नहीं, नहीं आपको दिखाता, मेरे लैपटॉप में ये सभी फोटोग्राफ्स हैं। वो बताता है फोटोग्राफ्स की पत्थर है ना, उनको कीलों से जोड़ा गया है। कीले होते हैं, और कीले इस मेटल के हैं जो लाखों साल में भी पानी में रह के क्षरण नहीं हुए। कहीं कहीं पत्थर के बीच में चूना लगाया गया है, वो साफ दिखता है। सीमेंट कहीं नहीं है, क्योंकि सीमेंट था भी नहीं। तो चूने और कीले से जोड़े हुए पत्थर अभी तक सुरक्षित हैं, टूटे नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उस पूरे पुल पर क्रैक नहीं है, कहीं भी एक क्रैक भी नहीं है। हम सीमेंट की अच्छी से अच्छी बिल्डिंग बनाते हैं और RCC का लेंटर डालते हैं, 2-4 साल में ही क्रैक्स आ जाते हैं, लेकिन उसमें कोई क्रैक भी नहीं है। और उसकी एक और बड़ी विशेषता है कि वो पुल जो है ना, जेड शेप में है, पूरा जेड बनाते ना अंग्रेजी का, ऐसे है पुल। अभी जो पुल बनते हैं वो स्ट्रेट लाइन होती है, एक सीधी रेखा में दीवार खड़ी करते हैं तो डैम बन जाता है, वही पुल जैसा हो जाता है डैम की दीवार। वो जो है ना ऐसे बनाया गया, क्यों? शायद इसलिए कि समुद्र के पानी का प्रेशर बहुत होता हो तो उस प्रेशर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो ये शेप सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें कई दीवार आ जाएंगी, हर दीवार पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। इतनी अकल हिंदुस्तान के लोगों को आज से 8-8.5 लाख साल पहले थी। और जानते हैं इस पुल का डिजाइनर कौन? नल और नील, माने द ग्रेट ग्रेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। नल और नील दोनों ने बना दिया पुल, और अब नासा कहता है कि दुनिया को पुल बनाने की टेक्नोलॉजी शायद भारत से ही गई होगी, क्योंकि इसके पहले दुनिया में कोई पुल बना था उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो अब उस पुल पर से जाकर राम की सेना वापस आई। नल और नील और राम का एक संवाद है रघुवंशम में। नल नील कह रहे हैं कि हम पुल बना देंगे, आप परेशान मत होइए, पत्थर की मदद से बना देंगे। राम पूछ रहे हैं ये समुद्र के पानी में पत्थर तैरेंगे कैसे? उन्होंने कहा वो आपकी चिंता नहीं, हमारी है, क्योंकि हाइड्रोलिक्स हम समझते हैं, आप नहीं समझते। हाँ, वो ऐसे ही बोलते हैं। तो रघुवंशम में तो वो बराबर बात करते हैं, रामचरितमानस में तो सभी पात्र जो है ना राम को भगवान मानते हैं, इसलिए बात ही नहीं करते। वाल्मीकि रामायण में, कंभ रामायण में, रघुवंशम में सभी पात्र बराबर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सहयोगी है। तो वो राम को समझा रहे हैं कि इसकी चिंता आप मत करो, हम कर देंगे। राम पूछ रहे हैं तुम्हारे पास तकनीकी क्या है? तो उन्होंने कहा हम पहले नाव डुबोएंगे, पत्थर ले लेके नावों को डुबोएंगे, डूबते डूबते वो ऊपर तक आएगी तब कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। कितना दिन लगेगा? उन्होंने कहा जो लगे सो लगे, लेकिन पुल बना देंगे।
तो राम जी पूछ रहे हैं कि ये पुल बनेगा तो जाएंगे तो सही, लौट के आएंगे कि नहीं। तो उन्होंने कहा आपको मैं एक गारंटी दे सकता हूं कि अपनी सेना जो जाएगी वो तो लौट के आएगी, जो रावण की सेना इस पुल पर आई तो ये डूब जाएगा। कैसे डूब जाएगा? तो वो कह रहे हैं कि हमने इसका जो हिसाब निकाला है ना पूरा, आपकी सेना में तो सब बानर हैं, हाँ, और बानर जब चलते हैं ना तो मिनिमम प्रेशर डालते हैं जमीन पर, आपने देखा है ना, उनके पंजे भगवान ने कुछ ऐसे बनाए हैं कि उनका जमीन पर पंजे का टिकना बहुत कम दबाव डालता है, और वो ऐसे अद्भुत ऊर्जा के मालिक हैं सब बानर कि जैसे ही पंजा टिका तुरंत जंप कर देते हैं, और वो कंटिन्यू जंप कर सकते हैं, 1 किलोमीटर तक कर सकते हैं, 2 किलोमीटर तक कर सकते हैं। तो नल नील कह रहे हैं कि हमने पुल का डिजाइन ऐसा रखा है कि ये बानर जंप करके तो निकल जाएंगे सबके सब, जो रावण की सेना आई तो ये डूब जाएगा, क्योंकि रावण की सेना में सब राक्षस हैं, राक्षस शरीर में भारी हैं, भारी होने के साथ दबाव ज्यादा डालते हैं, तो ये पुल टूट जाएगा, वो मर जाएंगे, इसलिए युद्ध में हम विजयी होंगे, हारने का चांस नहीं है। इस क्वालिटी की चीजें हैं। अब ये क्वालिटी किसी देश में आई हो तो मैं मान सकता हूं कि उस पुल को बनाने का मटेरियल उस जमाने में रहा हो, और उस पुल को बनाने वाले जो लोग रहे, नल नील जैसे पता नहीं कितने, उनको और भी बहुत कुछ ज्ञान आता हो, क्योंकि पुल बनाने में जो उन्होंने चूना घिसा है उसमें कई तरह की जड़ी बूटियां भी मिलाई गई, उनको जड़ी बूटियों का भी ज्ञान हो, तो इससे यह सिद्ध होता है कि उस जमाने का कंस्ट्रक्शन इंजीनियर जड़ी बूटियों का भी ज्ञाता होता होगा, हो सकता है आयुर्वेद भी उसको आता होगा। और राम की सेना में तो वैद्य सुषेण तो मुख्य वैद्य हैं, लेकिन राम जी की सेना में तो थोड़ी बहुत वैद्य की सब कर लेते, सीता जी भी कर लेती, उनको भी जड़ी बूटियों का ज्ञान, लक्ष्मण भी कर लेते हैं, राम खुद सीख गए हैं बहुत कुछ। तो इन घटनाओं से मैं कहना एक ही बात चाहता हूं कि शायद ये लाखों साल पुरानी विद्या है, ये 10-20 हजार साल की विद्या नहीं है, और ये लाखों साल पुरानी विद्या टिकी कैसे, आज तक जिंदा है, आज भी हम उन औषधियों का नाम जानते हैं जिनको राम जी जानते थे, वो नाम वैसे के वैसे ही चले आ रहे हैं, तो ये कैसे संभव हुआ? ये ऐसे संभव हुआ होगा कि इस विद्या को भारत के लोगों ने जीवन विद्या बना लिया होगा। जीवन विद्या माने जिंदगी के हर क्षेत्र से जुड़ी हुई, और इसको जीवन विद्या बनाया होगा तभी इसका नाम आयुर्वेद पड़ा होगा। ये आयु का विज्ञान है, चिकित्सा का नहीं है, रोगों का नहीं है, जीवन का विज्ञान है, और ये जीवन का विज्ञान सिखाया गया होगा पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, और ये शायद घरों में ही संभव है, क्योंकि घर में ही ज्यादा समय लोगों का बीतता है, तो शायद हर घरवासी को ये ज्ञान मालूम होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान जो आया वो आज तक चला आया, और इतना अद्भुत है कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी सब इससे भरपूर हैं, सबके पास ये भंडार के रूप में है। फिर एक प्रश्न उठता है, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि हमारे यहां लाखों साल ऐसे चला आया परंपरा से, तो पिछले 1000 साल में यह डूब कैसे गया, इसका महत्व तो कैसे कम हो गया, कारण क्या रहा इसका? इसका कारण एक कहानी है, अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों से पहले फ्रांसीसी आए, उनसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों से पहले मुगल आए, उनसे पहले हूण आए, शक आए, सबने लूटा इस देश को, और जो बाहर से आया हुआ लुटेरा होता है ना उसका एक ही धर्म है कि वो यहां से जो भी कुछ है लूट कर ले जाए, और वो यहां से जो भी कुछ लूट कर ले जाए उसके लिए आवश्यक है कि जिसका वो धन और संपत्ति है वो उसको लूटने के लिए छोड़े। तो हमने शायद ये लूटने के लिए छोड़ा होगा और उन्होंने इसको लूट लिया होगा। हमने इसको लूटने के लिए क्यों छोड़ा होगा, कोई तो कारण होगा इसके पीछे।
तो बहुत दिनों से सोचते सोचते मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि शायद एक कारण ये रहा हो कि हमने प्रकृति की दी गई इस संपदा को अपने पास इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध होने पर मान लिया कि हम तो सुरक्षित हैं। जैसे घर में बहुत सारा धन धान्य हो ना तो गरीबी की कल्पना नहीं आती, घर में बहुत सारा पैसा हो ना तो बेरोजगारी की कल्पना नहीं आती, घर में सब कुछ भरा पूरा हो तो अभाव का जीवन क्या होता है पता ही नहीं है। तो यहाँ सब भरा पूरा था, हमें कल्पना ही नहीं थी कि एक दिन ये लुटते लुटते इतना कम हो सकता है कि हमारे लिए विदेशों से लाना पड़े। ये एक कारण रहा हो। ये कारण तो नहीं मैं मानता हूं कि हम कमजोर थे और विदेशी हमसे मजबूत थे इसलिए हमको वो परास्त कर गए युद्ध में और हम लुट गए। अगर हम कमजोर ही थे तो पृथ्वीराज चौहान कहां से आ गए, महाराणा प्रताप कहां से आ गए, शिवाजी महाराज कहां से आ गए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहां से आ गई, और पृथ्वीराज चौहान और राणा प्रताप में कोई तो यूनिक डीएनए रहा होगा, ऐसा तो नहीं है। कोई राजा अपने दुश्मन को बार बार हराए और हराने के बाद हर बार उसे माफ कर दे तो वो तो वीर नहीं महावीर होता है। ये जेनेटिक मटेरियल तो भारत में ही दिखाई देता है, दुनिया में कहीं नहीं है। मैंने दुनिया के बहुत सारे राजाओं का इतिहास पढ़ा है, उन्होंने दुश्मन को हराया तो जान से मार डाला, छोड़ा नहीं उसको। हमारे यहां दुश्मनों को परास्त करते रहे और हर बार माफ करते रहे। गलती से एक बार दुश्मन ने परास्त कर दिया तो माफ नहीं किया, क्योंकि उसके पास वो डीएनए नहीं था। माफ करने के लिए जो जिगर चाहिए ना, उसके लिए कुछ खास तरह का बॉडी कंस्ट्रक्शन होता है, कुछ खास तरह के एंजाइम्स होते होंगे, कुछ खास तरह के हार्मोन्स होते होंगे। तो पृथ्वीराज चौहान में तो होंगे, उनके दुश्मन में नहीं रहे होंगे। तो हम कमजोर तो नहीं थे, हमारा इतिहास बार बार बताता है कमजोर तो नहीं थे, ताकतवर तो थे। तो फिर परास्त कैसे हुए, हारे कैसे? शायद इसी से जो पृथ्वीराज चौहान की कहानी बताती है कि दुश्मन को हराया छोड़ दिया। हमारे शास्त्रों में एक मंत्र है, वो है तो संस्कृत में, मैं सीधे हिंदी में बताता हूं। वो मंत्र ये कहता है कि दुश्मन को, आग को, कर्जे को और बीमारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुश्मन को, आग को, बीमारी को और कर्जे को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। दुश्मन को अगर छोड़ दिया तो वो ही मारेगा। फिर भारत की आजादी के पिछले 60 साल का इतिहास गवाह है, हर बार पाकिस्तान को हराया, हर बार हमने छोड़ा। 48 में हराया छोड़ दिया, 65 में हराया, लाहौर तक हम पहुंच गए फिर छोड़ दिया, 71 में हराया फिर छोड़ दिया, कारगिल में हराया फिर छोड़ दिया, और आज वही पाकिस्तान नाग बन के डस रहा है, हर तीसरे दिन बम ब्लास्ट करा रहा है इस देश। तो शास्त्र का मंत्र है, मेरा नहीं है, कि दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। अगर हाथ में आ गया खत्म कर दो। और शायद यही बात भगवत गीता में कृष्ण भी अर्जुन को समझा रहे, छोड़ो मत इनको, अगर जो तुमने छोड़ दिया तो ये विष बीज की तरह से फैलेंगे, पूरे देश में अधर्म की स्थापना कर देंगे, इसलिए कौरवों को छोड़ो मत, इनके अंतिम व्यक्ति तक संहार करो। शायद कृष्ण को शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान रहा होगा, पृथ्वीराज चौहान को उतना नहीं रहा होगा। कृष्ण को ये जो ज्ञान था शास्त्रों का, उसी का अंतिम परिणाम था कि कौरवों में से कोई बचा नहीं। शायद पृथ्वीराज चौहान को ये ज्ञान किसी ने दिया होता तो मोहम्मद गौरी पहली बार में ही खत्म हो गया होता और भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो ये ज्ञान की कुछ कमी रह गई। और आज के व्यवहारिक जीवन में भी हम जानते हैं कि अगर आपने आग को जलता हुआ छोड़ दिया तो वो घर को जला देगी, गाँव को भी जला देगी। अगर कर्जे को बकाया छोड़ दिया तो वो कर्जा आपको जिंदगी भर के लिए जरखरीद गुलाम बना देगा। और जो बीमारी को थोड़ा भी छोड़ दिया तो वो आपको पता नहीं किस स्वरूप में पटक देगी ले जाके।
तो ये ज्ञान की कुछ कमी आई होगी हम में, शायद हजारों साल की गुलामी में ज्ञान कम हो जाता होगा। मेरे गुरु हैं जिनका नाम है श्री धर्मपाल, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, वो बार बार मुझे ये कहते हैं कि देखो, जिस देश में गुलामी आ जाती है, जिस समाज में गुलामी आ जाती है, उस समाज का सब कुछ चला जाता है, उनका ज्ञान चला जाता है, उनकी परंपराएं चली जाती हैं, मान्यताएं चली जाती हैं, व्यवस्थाएं टूट जाती हैं, सब कुछ चला जाता है। तो शायद 1200 साल की गुलामी ने ज्ञान में कुछ कमी लाई हो और ये हम सोचना भूल गए हों कि दुश्मन को अधूरा मत छोड़ो। इसी कारण से हम परास्त हुए, बाकी कोई दूसरा कारण नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत के राजाओं के जो संघर्ष है ना, उसमें भी यही कहानी दिखाई देती है। 1825 में दक्षिण भारत में एक बड़ी रानी है जिसका नाम है कित्तूर चेन्नम्मा, वो अंग्रेजों को परास्त करती है, युद्ध में हराती है और उनको बाइज्जत बरी कर देती है कि जाओ। तो दक्षिण भारत का एक राजा है हैदर अली, जो बार बार अंग्रेजों को हराता है, हर बार छोड़ देता है। उसी का बेटा है टीपू सुल्तान, बार बार हराता है, छोड़ देता है, लेकिन एक बार टीपू सुल्तान हार जाता है तो अंग्रेज उसका मर्डर कर देते हैं, छोड़ते नहीं। तो हम अपने ज्ञान से कहीं वंचित हुए होंगे। दुश्मन को छोड़ना जो हमने सीख लिया, शायद वो हमारी पराजय का बड़ा कारण था। और उस पराजय में हमारे यहाँ सब कुछ चला गया, ज्ञान चला गया, तो जड़ी बूटियाँ भी चली गई होंगी, हमारी शिक्षा भी गई होगी, व्यवस्थाएं भी गई होंगी। और फिर जो आधुनिक समय है पिछले 300 साल का, इसमें हम कितने पिछड़ गए अपने इस ज्ञान से। ये ऐसे पिछड़ गए, मुझे भारत के एक वैज्ञानिक हुए बहुत बड़े व्यक्ति प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस की एक छोटी सी घटना आपको सुनानी है। आप जानते हैं प्रोफेसर बोस का काम क्या था? उन्होंने आधुनिक जगत में ये सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, और उनकी इसी खोज पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला। जब वो ये प्रयोग कर रहे थे कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, तो उन्होंने अपने हाथों से लिखे हुए लेखों में ये कहा है कि मैंने मेरे घर में कुछ पौधे रखे, आधे आधे उनका बंटवारा किया, एक हिस्से में कुछ पौधे, दूसरे हिस्से में कुछ पौधे। अब प्रोफेसर बोस क्या करते थे, सवेरे ही सवेरे सोकर उठें तो एक हिस्से के पौधों को जाकर गालियां देते थे, तुम नालायक हो, निकम्मे हो, नकारा हो, तुम्हारा रंग अच्छा नहीं, रूप अच्छा नहीं, तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, सब गालियां देना। और दूसरी तरफ के जो पौधे थे उनको वो प्रशंसा करते थे, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, तुम्हारे गुण बहुत अच्छे हैं, रूप रंग बहुत अच्छा है, तुम तो गुणों की खान हो, ऐसा ऐसा रोज बोलते थे। फिर प्रोफेसर साहब खुद अपने लेख में लिखते हैं, 6 महीने तक उन्होंने ये किया और दोनों ही पौधों को पानी बराबर दिया, खाद बराबर दिया, समय पर सब कुछ दिया, लेकिन कुछ पौधों को गालियां दी और कुछ को प्रशंसा किया। 6 महीने के बाद परिणाम ये हुआ कि जिन पौधों को गालियां दी गईं वो सब सूख गए, सब सूख गए, एक भी हरा नहीं बचा, और जिनकी प्रशंसा की वो दोगुने से ज्यादा बड़े हो गए। तो प्रोफेसर साहब लिखते हैं कि ये पौधे भी गालियां और प्रशंसा को समझते हैं। अब इसको मैं समझाता हूं आज के हिसाब से। भारत को 300 साल अंग्रेजों ने गालियां दिया, तुम नालायक हो, निकम्मे हो, नकारा हो, तुम्हारी सभ्यता खराब है, संस्कृति खराब है, तुमको तो कपड़े पहनना भी नहीं आता, तुमको तो खाना खाना नहीं आता, तुमको सभ्यता का कोई रंच मात्र भी अंदाजा नहीं है, सभ्यता होती क्या है, विज्ञान नहीं जानते, टेक्नोलॉजी नहीं जानते, हम तुमको जो सिखा रहे हैं वही सही है, ये हम सुनते रहे सालों साल, सालों साल। भाई साहब, जब 6 महीने में पौधे सूख गए तो 300 साल में ये भारत भी सूख गया, और इस सूखे हुए भारत ने अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को इतना गिरा दिया कि हम मानने लगे कि जो कुछ हमारा है वो सब बेकार है, दकियानूसी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई विज्ञान सम्मत कुछ नहीं है, और जो यूरोप से आ रहा है वही अच्छा है, वही ताकतवर है। और ये इतना गहरा घुस गया कि हमारा DNA बदल गया, हमारा ब्लड बदल गया, शायद हार्मोन्स का बैलेंस चेंज हो गया, शायद बॉडी के केमिकल्स चेंज हो गए, और ये इतना गहरा घुसते घुसते आ गया हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू तक के अंदर,
जिन्होंने पब्लिकली कहा कि आयुर्वेद में क्या रखा है, इसको तो खड्डा खोद के जमीन में गाड़ देना चाहिए, जो कुछ है वो एलोपैथी में है। और उन्हीं के एक मानस पुत्र अभी बैठे हुए हैं, मनमोहन सिंह, जो अभी लंदन गए थे ऑक्सफोर्ड में भाषण करके आए और बोला कि हम तो अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो वो भारत में आए, हमको चिकित्सा दिया, न्याय दिया, प्रशासन करना सिखाया, तकनीकी और विज्ञान का अंतर समझाया। ये मनमोहन सिंह का भाषण है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पिछले साल का, जो लंदन के अखबारों में छपा और कई अखबारों ने टिप्पणों गालियां देते रहे। हम भी सूख गए, और सूख गए तो अपनी विद्याओं के प्रति निराशा, अपने ज्ञान के प्रति अविश्वास, अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी, ये सब हो गया इस देश में। और इसी के चक्कर में सब छूट गया, और वो ऐसा छूटा कि विदेशियों का शासन भी आ गया। उन्होंने क्या किया कि धन के प्रवाह की दिशा बदल दी। पहले भारत में जब अपना शासन रहा होगा तो सबसे ज़्यादा रिसर्च आयुर्वेद पे हुआ होगा, फिर अंग्रेज आए तो उन्होंने एलोपैथी को केंद्र बना दिया, और उस एलोपैथी पर ऐसे फंड्स उन्होंने लुटाना शुरू किया कि भारत के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा एलोपैथी के हाथ में। आज भी मालूम है 2006 में भारत के बजट में चिकित्सा का जो कुल खर्चा है, एलोपैथी का खर्चा 98% है, और होम्योपैथी, बायोकेमिक, आयुर्वेद, यूनानी बाकी का 2%। जो इस देश की मूल चिकित्सा व्यवस्था थी उसको हमने अलग कर दिया और उसको वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था कहना शुरू कर दिया। जो मूल चिकित्सा व्यवस्था थी वो अल्टरनेट हो गई, और जो अल्टरनेट होनी चाहिए थी वो सेंट्रलाइज्ड हो गई। और इस सेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ, हमने इस देश में लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च किए एलोपैथी के ऊपर, उसका प्रचार किया, या कहें तो दुष्प्रचार किया। वो दुष्प्रचार इतना घुस गया मानस में कि गांव का भी साधारण आदमी अब इंजेक्शन ही लगवाता है, उससे कम पे उसको संतोष नहीं आता। और जो डॉक्टर 8-10 गोलियां लिख दे तो वो बड़ा डॉक्टर है, और जो एक गोली से ठीक कर दे वो छोटा डॉक्टर है, और जो बिना गोली के ठीक कर दे वो तो मूर्ख है। जो आपको ये समझाए कि भैया ये बीमारी तुम्हारी जीवन शैली की गड़बड़ी से है, तुम जीवन शैली बदल लो, क्या फालतू बात करते हो, आप कोई डॉक्टर हो? और जो आपकी जीवन शैली की बीमारी में बीसियों गोलियां खिलाए, सवेरे 4 खाना गोली, दोपहर को 4 खाना, शाम को 4 खाना, गोली ही गोली खाना, रोटी मत खाना, रोटी की जगह गोलियां खाना, सब्जी मत खाना, जैसे सब्जी खाते हो ना वैसे गोलियां खाना, भर भर के हथेली, और कहना हम बहुत स्मार्ट हैं क्योंकि इतनी गोलियां खाते हैं, 500 रुपये फीस लेता है, उस डॉक्टर के पास जाते, ये घुस गया, और ये घुस गया है, अब इसको निकालने की बात है। ये निकलेगा नहीं वायरस तब तक इस देश की चिकित्सा पद्धति वैकल्पिक रहेगी और बाहर से आई हुई मुख्य हो जाएगी। इस वायरस को निकालना है वो हम सबको। कैसे निकालें? पहले तो अपने ऊपर विश्वास करना सीखें कि हमारी चिकित्सा पद्धति में बहुत दम है। इसके दम के कुछ उदाहरण बताता हूँ। जो भगवान राम के भाई लक्ष्मण बेहोश हो गए और सुषेण ने जब नाड़ी देखी, ये तो गया, अब बचने की कोई संभावना नहीं, तब हनुमान जी को कहा जाके लाओ जल्दी से, मैं कुछ देर तो जीवन बचा सकता हूं, बाकी आगे की गारंटी नहीं है। हनुमान जी गए, संजीवनी बूटी लेके आए, और सुषेण ने संजीवनी सुंघाई, खिलाई नहीं, सुंघाई, और लक्ष्मण जीवित हो गए। तो कोई तो है दम भाई, ऐसा तो नहीं है सूंघने मात्र से वो जीवित हो गए। हम तो ये महाभारत की कहानी देखते हैं, युद्ध चला है और आप जानते हैं भयंकर युद्ध चला है। भारत के पिछले हजारों साल के इतिहास में सबसे भयंकर युद्ध हुआ है तो महाभारत का युद्ध हुआ है, जिसमें थोड़े बहुत नहीं लाखों लोग मारे गए। लेकिन उस युद्ध में बार बार हमें ये पता चलता है कि सवेरे से शाम तक युद्ध होता है, रात को सभी पालों के वैद्य अपने अपने घायल सैनिकों के घावों पर मरहम लगा रहे हैं, लेपन कर रहे हैं, और अगले दिन वो फिर युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसी कौन सी चिकित्सा पद्धति दुनिया में है जो 12 घंटे में आदमी को लड़ने के लिए तैयार कर दे?
और महाभारत की ऐसी एक नहीं सैकड़ों कहानियां, उसमें से तो एक कहानी मैं बताता हूं। कौरवों की कहानी जानते हो, 100 थे, एक माता के 100 पुत्र कैसे हो गए, एक माता के 100 पुत्र कैसे हो गए। और अद्भुत बात जो समझने की है, वो 100 के 100 सभी पुत्र एक जैसे, ऊंचाई में एक जैसे, चौड़ाई में एक जैसे, लंबाई सबकी बराबर, हाथों की लंबाई बराबर, शरीर सबका एक जैसा, चेहरा सबका एक जैसा, बड़ा मुश्किल पहचानना। तो ये तो भाई कोई क्लोनिंग हुआ हो तभी संभव है, वरना कैसे संभव है। अभी तो हम प्राकृतिक तरीके से जानते हैं कि दो ट्विंस भी पैदा हो जाएं तो एक जैसे नहीं होते, लेकिन कौरव तो सबके सब एक जैसे। तो शायद उस समय कोई बड़े महान चिकित्सक रहे हों जिन्होंने गांधारी के रक्त में से कुछ निकाल कर क्लोन कर दिया हो, या उनके गर्भाशय से कुछ निकाल कर क्लोन किया हो, उसमें से ये कौरव पैदा हुए हों। तो ये क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी तो 5000 साल पहले इस देश में थी, यूरोप तो अभी जान रहा है इसको, और यूरोप अभी तक भेड़ बकरियों पर प्रयोग कर रहा है, यहां तो आदमियों पर प्रयोग 5000 साल पहले हुआ। तो कोई तो दम होगा इसमें। हमारे सुश्रुत संहिता को आप जानते ही हैं, आप में से शायद किसी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िए। सुश्रुत संहिता में बहुत साल से पढ़ता रहता हूं, हालांकि मेरा विषय तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट है। जब जब मैं सुश्रुत संहिता पढ़ता हूँ, माइक्रो लेवल पे जब जाओ तो इतने तरह के उपकरणों के वर्णन उसमें हैं, इतने तरह के उपकरणों के वर्णन हैं सर्जरी करने के लिए, कि आश्चर्य होता है। अगर सुश्रुत संहिता से एक एक उपकरण को निकालकर लिस्ट बना दी जाए तो आज के आधुनिक सर्जरी में जितने उपकरण हैं उससे कम नहीं है। और उन उपकरणों को बनाने के लिए जो इस्तेमाल होने वाला मेटल है, फौलाद कहिए, वो सिर्फ आयरन नहीं है, ऐसा मेटल इस्तेमाल है जिसमें 7 धातुएं हैं ताकि उसमें जंग न लगे। और आज के जितने भी अच्छे से अच्छे सर्जरी के उपकरण भारत में हैं, सभी में जंग लगती है, लेकिन सुश्रुत के उपकरणों में जंग नहीं है। तो इतने तरह के उपकरण उस जमाने में बनते थे, सुश्रुत का समय तो कोई आज का नहीं है, कम से कम 3500 साल का है, उस समय अगर ऐसे उपकरण बनते थे तो कोई तो दम होगा इस देश की चिकित्सा व्यवस्था में, ऐसे तो नहीं है। जब यूरोप में और अमेरिका में शरीर की नस काट कर रक्त बहा दो यही चिकित्सा है, उस समय इस देश में सुश्रुत की राइनोप्लास्टी रही। आपको मालूम है राइनोप्लास्टी भारत ने दुनिया को सिखाया, और राइनोप्लास्टी के भारत में 1500 से ज्यादा केंद्र थे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले तक। उनके स्थान और पूरे वर्णन मेरे पास है, और अंग्रेजों के दस्तावेज में से निकाले हुए हैं। भारत में सबसे बड़ा राइनोप्लास्टी का केंद्र था कांगड़ा। कांगड़ा कहाँ है? शिमला के आगे, हिमाचल में। और कांगड़ा और उसके आसपास में 700 केंद्र थे जो राइनोप्लास्टी सिखाते थे। दक्षिण में जबरदस्त केंद्र थे राइनोप्लास्टी के, मैसूर स्टेट है ना, मैसूर स्टेट में 150 से ज्यादा केंद्र थे आज से 200 साल पहले। एक पुरानी कहानी है जो दस्तावेजी है, कल्पना की नहीं है। एक अंग्रेज अधिकारी था कर्नल कूट, वो हैदर अली से लड़ा, हैदर अली ने उसको परास्त किया, परास्त करने के बाद उसकी नाक काट दिया, क्योंकि हमारे राजा ज्यादा से ज्यादा यही करते थे, गला नहीं काटते थे, नाक काट दिया, कान काट दिया। क्यों? क्योंकि नाक कटना ही बहुत बड़ी बदनामी होती थी, तो नाक काट दिया उसका। कटी हुई नाक लेके वो भागा कर्नल कूट। वो खुद अपनी डायरी में लिख रहा है कि जब मैं युद्ध में हार गया, हैदर अली ने मुझे नाक काट दी, हाथ में लेकर मैं भागा,
और हैदर अली की सीमा खत्म हुई मैसूर राज्य की, तो बेलगाम नाम का एक गांव आया। वहां पर एक वैद्य ने मेरी सर्जरी की, 21 दिन मुझे अपने घर में रखा, सर्जरी करके लेपन लगाया, मेरी नाक जोड़ दिया। और आज मैं पार्लियामेंट के सामने कह रहा हूं कि भारत के वैद्यों को इतना ज्ञान है, वो ये सब कर सकते हैं, इसलिए हमें भारत में अपने लोगों को भेजकर ये विद्या सीखनी चाहिए। ये उसका भाषण है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो कर्नल कूट के इस भाषण को सुनने के बाद अंग्रेजी सरकार ने तय किया, चलो कुछ लोगों को भेजो। तो अंग्रेज आए, उन्होंने यहाँ सर्जरी सीखना शुरू किया, और जो अंग्रेजों ने सर्जरी सीखा है वो लिख रहे हैं कि जो जातियाँ भारत में सर्जरी में मास्टर थी वो सब नाई थे। नाई समझते हैं, बाल काटने वाले, ये सब सर्जन थे 200 साल पहले। हाँ, सब सर्जन थे 200 साल। अब जरा सोचो कि नाई अगर सर्जन रहे हों तो वो पिछड़ी जाति कैसे हुई। अंग्रेजों ने उनको 1881 के सर्वे में पिछड़ी जाति घोषित किया, उसके पहले इस देश में नाई कभी भी पिछड़ी जाति में नहीं थे। 1881 में सेंसस हुआ सबसे पहला, और आज तक वो चल रहा है, हर 10 साल में होता है जनसंख्या का गणना। अंग्रेजों ने पहली गणना में नाइयों को पिछड़ा वर्ग में डाल दिया, और एक अंग्रेज कहता है कि ये अच्छा ही है, क्योंकि ये विद्या में इतने ऊंचे हैं, अगर इनको नीचे नहीं लाओगे ये गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और आज हमारी सरकार भी उनको पिछड़ा ही कहती है। उनके हाथ में इतना हुनर है, उंगलियों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आप देखते हैं ना बाल काटते समय, वो गर्दन भी काट सकते हैं, सोचो ना। और इतनी सफाई से उस तरह चलाते हैं, उस तरह से वो किसी ट्यूमर को भी काट के निकाल सकते हैं। ये सब बहुत बड़े सर्जन रहे। और आज से 200 साल पहले के दस्तावेज बताते हैं कि कांगड़ा और उसके आसपास, कुर्ग और उसके आसपास, मैसूर और उसके आसपास जितने सर्जरी सिखाने वाले केंद्र थे, उन सबके आचार्य नाई ही थे जातियों में, ये सब सर्जन थे। और इन्होंने जो सर्जरी सिखाई है वो हिंदुस्तान के गांव गांव फैलाई। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो सर्जरी सिखाने वाले केंद्र थे इन सबको गैर कानूनी घोषित कर दिया। एक कानून बनाया जिसका दुर्भाग्य से नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट। उसमें इंडियन कुछ भी नहीं है, नाम उसका इंडियन एजुकेशन एक्ट। उस कानून में उन्होंने यह तय किया कि भारतीय विद्याओं को सिखाने वाले जितने भी केंद्र हैं वो सब गैर कानूनी, तो उन पे ताले डलवाए गए, नहीं डाले तो मरवाया गया, उनको आग लगवाई गई, कितने लोगों को जिंदा जला दिया। वो कहानी सुने तो आपकी आंखों से आंसू निकल आए। ये अत्याचार 100 साल हुआ, उसमें ये विद्या खत्म हो गई। और फिर बेईमान अंग्रेजों ने क्या किया कि यहां से सर्जरी सीखा, और उनके अपने रिकॉर्ड्स में वो सब है, हिंदुस्तान को ये बताया कि देखो हम तुम्हें वापस सिखा रहे हैं। और यहां से सर्जरी सीखकर जो डॉक्टर बने लंदन में, उन्होंने फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें डिग्री लेने के लिए आज हमारे डॉक्टर जा रहे हैं, और उस प्रमाण पत्र को लाके दरवाजे पे बड़ा टांगते हैं, मैं देखो FRS, उसमें शहद लगा के चाटो तो विटामिन सी भी ना मिले। ये स्थिति है, इतना उलट गया सब कुछ। सर्जरी में ये था, मेडिसिन में इससे अद्भुत था भारत। और मेडिसिन में अद्भुत होने का कारण है विशेष किस्म की दवाएं यहां पर हैं, ऐसी ऐसी अद्भुत दवाएं हैं जो आप कल्पना नहीं करें, काम ना करें आपकी कल्पना। मैं आज भी ऐसे बहुत वैद्यों को जानता हूं जिनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, जो स्कूल कॉलेज में भी नहीं गए हैं, आपकी नाड़ी अगर पकड़ ली तो बता देंगे सात दिन पहले से क्या क्या खा रहे हैं आप। और ज़्यादा दूर नहीं है, इसी जयपुर शहर में उनका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, वो सिर्फ नारी पकड़ते हैं। मैं गया हूँ 2 बार, वो 7 दिन पहले का मुझे बता दिया, पिछले रविवार को ये खाया, सोमवार को ये खाया, मंगल को ये खाया, बुध को ये खाया। ये भाई कौन सा विज्ञान है, ये तो दुनिया से करोड़ों रुपए खर्च करके लाई गई मशीनें नहीं बता पाती कि हफ्ते भर पहले हमने क्या खाया था।
और नाड़ी पकड़ के सारा का सारा डायग्नोस कर लेना कि आपको यही है और वही निकले, ये तो कुछ अद्भुत है, ये कोई सामान्य विद्या नहीं है भाई। मैंने ऐसे तमाम वैद्यों को देखा है जो नाड़ी पकड़ के बताते हैं कि आपको ट्यूमर है, गर्भाशय में है, यहां है, यहां है, और हम जब आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में परीक्षण कराते हैं वही निकलता है। एक वैद्य तो मैंने ऐसे भी देखे हैं केरल में, कोटक्कला में, वो साइज बता देते हैं, इस साइज का है, नाड़ी पकड़ी और बता दिया इस साइज का है और वही निकलता है। इसका माने इस भारतीय विद्या में कोई दम है, और वो दम अगर हमको दिखाई दे जाए तो आत्मविश्वास हमारा लौट आएगा और हमारी हीन भावना कुछ कम हो जाएगी, और हीन भावना कम हो जाए तो हम शायद दुनिया जीत लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने एक बहुत अच्छी बात कही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार गया वो सब कुछ हार गया। आप मन से हारना बंद कर दो, बहुत कुछ जीतने के लिए इस देश में। एक ताजा उदाहरण देता हूं, आजकल भारत में एक खराब बीमारी घुस गई है, चिकनगुनिया। लाखों लोग प्रभावित हैं। मैं 6 महीने से गांव-गांव घूम के उसका इलाज कर रहा हूं, और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, ज्यादा लोगों को इलाज में मैं एक ही बात बताता हूं, तुलसी का काढ़ा पी लो, नीम की गिलोय होती है ना उसको भी उसमें डाल लो, थोड़ा सूंठ डाल लो, थोड़ी छोटी पीपर डाल लो, बस ये 4-5 चीजें, और थोड़ा गुड़ डाल लो क्योंकि ये कड़वा इतना है कि पी नहीं पाओगे। इतने मात्र से 3 खुराक में बीमारी ठीक हो रही है। और जो एलोपैथी से कर रहे हैं ना, बोवेरॉन के 3-3 इंजेक्शन ठोक दो, डाइक्लोफेनेक दे दो और पैरासीटामोल भी दे दो, जो तुम्हारे पास है सब दे दो, 20-20 दिन से बिस्तर में पड़े तड़प रहे, 20-20 दिन से। अभी आज मैं आया भीलवाड़ा से, और आने का देरी का कारण भी यही है कि वहाँ 1 लाख लोग चिकनगुनिया से पीड़ित हैं। वहाँ डॉक्टर आते हैं, राजीव भाई जरा बताओ ना, मैंने कहा अपना इंजेक्शन खुद क्यों नहीं ठोक लेते, कहते हमें मालूम है इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, तो पेशेंट को क्यों नहीं बताते, इतने हरामखोर हो, तुम्हें मालूम है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, वोवेरॉन लगाएंगे तो क्या होने वाला है, मुंह में छाले हो जाएंगे, गले में छाले हो जाएंगे, अल्सर भी हो सकता है, तुम जानते हो, फिर पेशेंट को क्यों नहीं बताते, ये हरामखोरी तुम में कहां से आ गई। अपने को इंजेक्शन ठोकोगे नहीं, उसको ठोकते जाओ, तुम्हें मालूम नहीं है ठीक नहीं होगा, फिर पैरासीटामोल देते जाओ, डाइक्लोफेनेक देते जाओ, नोवलजिन के इंजेक्शन लगाते जाओ, और दुर्भाग्य से एलोपैथी ने ये सब नाम 20 साल पहले बैन कर दिए। वो कहते हैं डाइक्लोफेनेक खराब है, पैरासीटामोल तो और भी खराब है, नोवलजिन तो 1984 से बैन है यूरोप में और अमेरिका में, वही इंजेक्शन यहां ठोक रहे हैं लगातार। दुष्परिणाम है कि मरीज ठीक ही नहीं हो रहे। और मैं आपको मेरा अपना तजुर्बा बताता हूं, आप में से कुछ विद्यार्थी होम्योपैथी के हैं, आप जानते हैं कि होम्योपैथी की बहुत सारी दवाएं आयुर्वेद से ही निकली, तुलसी है ना उसी से ओसीमम है, ओसीमम की 3-3 खुराक देके कर्नाटक में 70,000 रोगियों को चलता कर दिया, और वो 20-20 दिन से एलोपैथी खा रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहा है। ओसीमम 200 की 3 खुराक सफिशियंट, और आदमी 20 दिन से तड़प रहा है बिस्तर में, न नींद आ रही है, न चैन मिल रहा है, इतनी उल्टियां हो रही हैं, बुखार उतर नहीं रहा है, सब तकलीफ है, 3 डोज दो खत्म कहानी, मैंने उसको फिर कुछ जरूरत ही नहीं। और फिर आज स्थिति यह है कि कर्नाटक सरकार ने हमारे ये कैंपों के रिजल्ट देखने के बाद अपने डायरेक्टर्स और जॉइंट डायरेक्टर सबको लाइन से लगा दिया, जाओ राजीव दीक्षित के पास, सीखो उससे वो क्या दे रहा है और रिजल्ट क्यों आ रहे हैं। हमने 70,000 पेशेंट को दवा दी, 6 मरे, और उन्होंने 1,22,000 को दी, उसमें से मुश्किल से 6 बचे। ये कर्नाटक का हाल है। कर्नाटक में चिकनगुनिया इतना बुरी तरह से फैला है, कोई गांव नहीं बचा जहां चिकनगुनिया ना हो। मेरी तो स्थिति यह है कि कार्यकर्ता कम पड़ गए, डॉक्टर कम पड़ गए, अगर मेरे पास 1,000-2,000 डॉक्टर होते तो हम कर्नाटक के उन लाखों लोगों को बचा लेते जो मर गए पिछले 6 महीने। महाराष्ट्र में भी यही है, रिजल्ट मिलते हैं उन दवाओं से तो भरोसा क्यों नहीं करें उनके ऊपर। ओसीमम तो तुलसी में से ही बनी है भाई, और तो क्या है, डाइल्यूशन फॉर्म में है, बस इतना ही तो है, और तुलसी का काढ़ा
समझ लो मदर टिंचर फॉर्म है उसका, तो काढ़ा दे दो तो समझ लो मदर टिंचर दे दिया, और पोटेंसी में दिया तो डाइल्यूट करके दिया। और आप जानते हैं कि ये आयुर्वेद का ही सिद्धांत है कि औषधि की मात्रा जितनी कम रखो असर उतना ही अधिक है। होम्योपैथी तो इसी पे काम करती है। तो अपने विज्ञान में दम तो है, अपनी विद्या में दम तो है, बस इसका प्रचार करने की बात है। प्रचार कौन करेगा? आप करेंगे। और इसका सबसे सरल तरीका है वॉक 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 एंड टॉक टॉक टॉक, सबसे सरल तरीका। अगर आप इसका अपनी विद्याओं का प्रचार करना चाहते हैं, सरकार तो करेगी नहीं क्योंकि वो एलोपैथी के चंगुल में फंसी है। हमारी सरकार के दो मंत्रियों का तो मेरा तजुर्बा है पिछले 6 साल में, जब जब मैं उनके पास गया स्वास्थ्य मंत्री को मिलने के लिए, वो कहते राजीव भाई ये सब हमको समझता है, कर कुछ नहीं सकते क्योंकि ऐसा जकड़ के रख लिया है। तो मैंने कहा इसमें आग तो लगा सकते हो, आग ही लगा दो, हनुमान जी की तरह से रावण की लंका एक बार जल जाए, कम से कम कहानी तो खत्म हो जाए। तो कहते हैं उतनी हिम्मत अभी तक नहीं आई है, आ जाएगी तो वो भी लगा देंगे। तो उनमें तो आने से रही क्योंकि वो तो फंसे हैं अपने स्वार्थ में। आप इसको तैयारी करो, एक ना एक दिन ये विदेश से आई हुई चिकित्सा पद्धति के तंत्र को ऐसे ही उखाड़ के फेंकना है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ के फेंका था हमने तो। क्योंकि ये जो विदेशी चिकित्सा पद्धति है इसमें कोई दम नहीं। मेरी आजकल दोस्ती हुई है अमेरिका के एक डॉक्टर से, उसका नाम है डीन ओर्निश। मैं कभी मेल करता हूँ, वो कभी मुझे मेल करता है। थोड़े दिन पहले उसने कहा कि आपकी एक बात से मैं सहमत हूँ कि एलोपैथी में कोई दवा नहीं है, कोई औषधि नहीं है, जो भी है जहर है, आप ले लो। फिर आपकी ताकत कितनी है जहर पचाने की ये इस पर निर्भर करेगा कि आप ठीक होते हैं या मरते। वो कहता हमारे पास कोई औषधि नहीं, जहर ही जहर है, आप चाहो तो ले लो। तो मैंने कहा आपको ये बताया किसने? क्योंकि ये ज्ञान तो कोई आयुर्वेद का ज्ञाता ही दे सकता है। तो उसने कहा कि ये ज्ञान मुझे स्वामी शिवानंद से मिला। शिवानंद जी का नाम आप जानते हैं, महान तपस्वी महान योगी जिन्होंने भारत छोड़ दुनिया भर में आयुर्वेद के प्रचार के लिए काम किया, योग और प्राणायाम के लिए प्रचार का काम किया, उनसे सीखा डीन ओर्निश ने। अब डीन ओर्निश क्या कहता है? वो कहता है कि भारत की चिकित्सा पद्धति में इतना दम है कि लौकी के रस से हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट या ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है सिर्फ लौकी के रस से। और वो क्या करता है, अमेरिका कनाडा में शिविर लेता है, 500-500 रोगियों को बुलाता है, स्त्री और पुरुष सबको, और एक ही बात बताता है लौकी का रस पियो। अब लौकी तो होती नहीं वहां क्योंकि लौकी जो है ना ठंडे देश में हो नहीं सकती, तो लौकी यहां से जाती है। एक बार मैंने उसको ईमेल करके पूछा भाई आप लौकी कहाँ से मंगाते हैं, तो उसने कहा भारत से। भारत में कहाँ से? उसने कहा हैदराबाद के पास कोई गांव है, वहाँ के कुछ किसानों से मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो रोज लौकी बनाते हैं माने उगाते हैं, फिर हैदराबाद एयरपोर्ट से सवेरे की पहली फ्लाइट उड़ती है 3:30 बजे, उसमें लौकियाँ भर के जाती हैं। तो मैं गया वो गाँव देखने के लिए, तो वहां कुछ किसान हैं जिन्होंने उससे डील किया हुआ है, उनकी पूरे खेत में लौकी ही लौकी लगा रखी है और उन्होंने गाय रखी हुई है, गाय का गोबर ही डालते हैं क्योंकि डीन ओर्निश कहता है कि जो यूरिया का डाला तो लौकी काम ही नहीं आती, हाँ रिवर्सल नहीं होता, तो गाय के गोबर से लौकी बनाते हैं। और जो एक लौकी भारत में तो मुश्किल से 2 रुपए की बिकती हो, वो किसान डीन ओर्निश को 60-65 रुपए में एक एक लौकी बेचते हैं। डीन ओर्निश कहता है मुझे घाटा नहीं है क्योंकि ये मैं $50 में बेचता हूँ। $50 माने 50×45, एक लौकी बेचता है। और करोड़ों करोड़ों अमरीकी और कनेडियन और यूरोप वासी उसकी लौकी का रस पी पी के ठीक हो रहे हैं। आते हैं थोड़ा योग सिखा देता है, वो 1-2 चीज़ें जानता है, ज़्यादा उसको नहीं आती, अनुलोम विलोम सिखाता है वो क्योंकि शिवानंद जी ने उसको कुछ सिखाया होगा, थोड़ा अनुलोम विलोम सिखाता है, थोड़ा भस्त्रिका करा देता है, लौकी का रस पिलवाता है और उसको ठीक कर रहा है। अब उसने किताब लिख मारी, देखो कैसे बेईमान लोग हैं, किताब लिख मारी और दुनिया में अथॉरिटी हो गया, डीन ओर्निश लौकी पर अथॉरिटी हो गया, सारी दुनिया मानती है कि ये लौकी का विशेषज्ञ है।
लेकिन दुनिया जानती नहीं है कि विशेषज्ञ तो स्वामी शिवानंद थे जो उसको फोकट में ये सिखा गए, अब उसने इसको धंधा बना दिया। और ये डीन ओर्निश अकेला नहीं है, यूरोप और अमेरिका में अब बहुत डॉक्टर ऐसे हैं जो ये कहते हैं बैक टू द नेचर, हमारे पास दवा नहीं है, हमारे पास औषधि नहीं है, जो है तो प्रकृति में है, पेड़ पौधों में है, जड़ी बूटियों में है, वो वहाँ लौट रहे हैं और आने वाला समय उन्हीं का है। जर्मनी की सरकार एक यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है $100 अरब के खर्चे से, जो सिर्फ आयुर्वेद पे ही काम करे। अमेरिका की सरकार अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि अमेरिका की सरकार जानती है 20 साल के बाद यही चलने वाला है, तो धड़ाधड़ पेटेंट ले रहे हैं, हल्दी पे ले लो, इस पे ले लो, इस पे ले लो, और हम अभी भी गहरी नींद में सो रहे हैं। अगर दम नहीं होता हल्दी में तो अमरीकी सरकार ने 33 पेटेंट कैसे ले लिए, दम नहीं होता काली मिर्च में तो वहां 22 पेटेंट हैं काली मिर्च पर, और सबसे लेटेस्ट पेटेंट पता है काली मिर्च का क्या है, कि इसको चूसो तो खांसी ठीक हो जाती है, अमेरिका ने इस पर पेटेंट किया हुआ है कि काली मिर्च को चूसने मात्र से खांसी ठीक हो जाती है। ये तो हमारे देश में लाखों माताएं बहनें रोज करती हैं, सब जानते हैं कि काली मिर्च को चूसो तो खांसी ठीक हो जाती है, उन्होंने पेटेंट करा लिया इस पर, हमें मालूम ही नहीं है। अब तो गोमूत्र पर पेटेंट करा ले रहे हैं वो, तो वो तो लूट रहे हैं हमारी संपत्ति को, हम सो रहे हैं अभी भी कुंभकर्ण की नींद में। तो मैं आपसे कहने आया, जागो, इस भारतीय चिकित्सा व्यवस्था का प्रचार करो, और इतना प्रचार करो कि ये एलोपैथी बह जाए यहाँ से, क्योंकि हमें ये चाहिए नहीं और इसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं जी कुछ तो आवश्यकता है, कहाँ, सर्जरी में, तो हम सर्जरी अपनी लाएंगे, यूरोप वाली सर्जरी में क्यों जाएंगे, हमारे यहाँ जो सर्जरी होती थी 200 साल पहले उसको रिवाइव करेंगे, उसके स्कूल खोलेंगे, उसके कॉलेज खोलेंगे, कहीं ना कहीं गांव में कोई ना कोई विशेषज्ञ मिलेगा, उसको गुरु बनाएंगे, उससे सीखेंगे, वो आगे सिखाएगा सबको। तो हम तो अपनी चीज़ें पे जाएं, उनका भरोसा करें, उनको प्रचारित करें और इनको आगे बढ़ाएं। ये ताकत आप सब में है, बस आप एक बार संकल्प लेके काम करो। और संकल्प लेके काम कैसे करें, आप बोलोगे जी अपने पास तो समय नहीं है, समय तो आप सबके पास है लेकिन समय का नियोजन नहीं है। हमारे पास बहुत समय है जो हम टीवी के सामने बर्बाद करते हैं, सास भी कभी बहू थी देखने, जिसमें कुछ भी आयुर्वेदिक नहीं है, हाँ उसमें एक ही कहानी है, किसी की पत्नी किसी के पति के साथ भाग गई, किसी का पति किसी दूसरी की पत्नी के साथ भाग लिया, कोई पुरुष तीन महिलाओं के चक्कर में, कोई महिला तीन पुरुष के चक्कर में, क्यों समय टाइम बेकार कर रहे हो भाई। ये सास भी कभी बहू थी बिल क्लिंटन को देखने की चीज है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का चैंपियन रहा है, वो देखे तो समझ में आता है, हम क्यों इसमें समय खराब करें। तो ये टीवी में फालतू समय जाता है, इसको बचा लो, और सिनेमा में जाता है वो और ज़्यादा बचा लो, क्योंकि सिनेमा में कोई मनोरंजन नहीं है। अब ये क्या मनोरंजन है, एक हीरो एक हीरोइन शुरू में अलग हो जाएंगे, अंत में मिल जाएंगे, बीच में विलेन आएगा, थोड़ी देर डिशुम डिशुम कहानी खत्म, क्या है मनोरंजन। फिर उसमें कोई हीरो आएगा 25 मंजिल की इमारत पर चढ़ेगा कूदेगा, और पेंट भी नहीं फटेगी उसकी 25 मंजिल से कूदेगा। फिर एक हीरो आएगा मोटरसाइकिल लेके चलेगा दीवार तोड़ के निकलेगा, सिर नहीं फटेगा दीवार फट जाएगी। फिर एक हीरो आएगा डिशुम डिशुम करेगा, एक मिनट में 20 गुंडों को मारेगा। अब ये हीरो इतने ही ताकतवर हैं तो सरकार ने ट्रक भर भर के कारगिल युद्ध में क्यों नहीं भेज दिया इन सभी। भैया ये हीरो नहीं है, सब जीरो है, मालूम है, ये सब दाऊद इब्राहिम के चेले हैं। आपको मालूम है CBI इंक्वायरी चल रही है, एक एक की कलाई खुल रही है, पता चला वो दाऊद इब्राहिम के घर में जाके नाच के आते हैं, दाऊद इब्राहिम के दिए गए पैसे से फिल्में बनाते हैं, और दाऊद इब्राहिम इस समय मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है जिसको पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है, क्योंकि बम ब्लास्ट सबसे ज्यादा वो ही कराता है। उस दाऊद इब्राहिम के पैसे पे नाच गाना करने वाले ये नचनीय गवनीय, ये हमारी जिंदगी का करोड़ों घंटे खा जाए, तो ये हमारी मूर्खता है। अपनी इस मूर्खता से थोड़ा बाहर आओ, फालतू में ये समय बर्बाद मत करो, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में मैं बहुत सुना करता था टाइम इज मनी, और इसको आप खर्च कर रहे हो,
और आप जानते हैं गया हुआ समय वापस नहीं आएगा, तो ये फालतू समय सिनेमा में टीवी में जो बर्बाद कर रहे हो इसको भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रचार में लगाओ। अब आप बोलोगे जी प्रचार कैसे होगा, तरीके मैं बताता हूँ। आप छोटी छोटी टीम बनाओ, ग्रुप बनाओ। आप तो थोड़ा होम्योपैथी जानते हो ना, तो होम्योपैथी में ऐसी बहुत दवाएं हैं जिनको सेलेक्ट करो जिनका बेस आयुर्वेद का है, और खासकर ऐसी बहुत दवाएं हैं जो 100% वेजिटेरियन है, माने फूल पौधे पत्ती से बनी हुई है ना, उनकी एक सूची बनाओ। इन्हीं दवाओं का उपयोग करो, नोजोड्स में जाओ ही मत, जरूरत नहीं है उसकी। मैं होम्योपैथी पढ़ाई करके नहीं, पढ़ पढ़ के सीखा, और मैंने ये तय कर लिया कि जिंदगी में कभी नोजोड्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा, कितना भी सीरियस पेशेंट आए। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मैक्सिमम सीरियस पेशेंट्स को मैं बेलाडोना से ठीक कर लेता हूं। एक बार एक होम्योपैथी कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे पूछा कि राजीव भाई आपकी बेलाडोना इतनी पसंदीदा मेडिसिन क्यों है। मैंने कहा ये सभी क्रोनिक केस क्लियर करती है। कैसे करती है? मैंने कहा ध्यान से देखो तो बहुत सारे पेशेंट में बेलाडोना ही निकलती है। हम ध्यान नहीं देते इसलिए इधर उधर भटकते रहते हैं। जब अकेली बेलाडोना इतने काम कर सकती है तो काय को ऐसी मेडिसिन में जाना जो अपनी चरित्र से, प्रकृति से, स्वभाव से मेल नहीं खाती। भारत में जानते हैं मैक्सिमम लोग शाकाहारी हैं, तो स्वभाव हमारा शाकाहारी पने का है, तो दवाएं भी वही सेलेक्ट कर लो जो शाकाहारी हैं। इन दवाओं की सूची बना लो और इनको लेके गांव गांव जाओ। रविवार में जब छुट्टी होती है 2-3 घंटे के चिकित्सा शिविर लगाओ, पहले उनको थोड़ा चिकित्सा का ज्ञान दो। हमारे देश में अब मुझे ये समझ में आने लगा है कि किसी भी भारतीय नागरिक को चिकित्सा सुविधा की जरूरत नहीं है, चिकित्सकीय ज्ञान की जरूरत है। हेल्थ फैसिलिटीज नहीं चाहिए, नॉलेज चाहिए। नॉलेज की बहुत कमी, और इतनी कमी है कि पढ़े लिखे लोग उससे ज़्यादा पीड़ित हैं। छोटी छोटी बातें नहीं जानते, पानी को उबाल के पीना ये इतनी छोटी सी बात है, लेकिन आज के समय की बीमारियों में सबसे इफेक्टिव है, खासकर 3 महीने की ये जो। तो आप उनको बता दो भैया पानी उबाल के पियो, उबाल के पानी पीने से क्या होता है वो समझा दो उनको, 10 मिनट में समझ में आ जाए। फिर उनसे कहो कि खाना खाते हो तो कुछ ये खाओ ये मत खाओ, क्योंकि दिनचर्या ऋतुचर्या जो आयुर्वेद की है ना वो जरूर सीख लो। दिनचर्या और ऋतुचर्या जरूर सीखो, आयुर्वेद की बहुत आवश्यक है। और आपको मैं एक किताब का नाम बोल के जाता हूँ, इसको पढ़ो। भगवत गीता जैसे पढ़ी जाती है, रामचरितमानस जैसे पढ़ी जाती है, उस किताब का नाम है अष्टांग हृदय। इसका एक दूसरा नाम भी है अष्टांग संग्रह, पुराना नाम अष्टांग हृदय। ये किताब का जो स्वस्थ व्रत है ना वो ऐसे पढ़ो जैसे आप धार्मिक पुस्तक पढ़ते हो, और उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो तो याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। उसमें 2000 सूत्र हैं, ये सूत्र लोगों को बताना शुरू कर दो। छोटे छोटे सूत्र हैं, जैसे खाना खाने के बाद पानी मत पियो, स्वस्थ रहना है जिंदगी भर तो खाने के 1 घंटे के बाद पानी पियो। क्यों नहीं पिए वो आप सब जानते हो, सरल भाषा में उनको समझा दो। फिर उनको बोलो पानी पियो तो घूंट भर भर के पियो, सिप करके पियो, ताकि ज़्यादा लार शरीर में जाए, वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहे। ठंडा पानी कभी मत पियो। मैंने दुनिया में ठंडे पानी पीने वालों को बहुत देखा है, यूरोप और अमेरिका के लोग चिल्ड वाटर पीते हैं, बर्फ़ का पानी फ्रिज में रख के पीते हैं। परिणाम जानते हैं क्या होता है? सवेरे जब टॉयलेट रूम में जाते हैं तो 1-1 घंटे बाहर ही नहीं आते। उनको पूछो भाई तुम क्या कर रहे थे 1 घंटे वहाँ, तो कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, मैगजीन पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे? स्टूल पास नहीं होता। क्यों नहीं होता? कॉन्स्टिपेशन है, जोर लगाना पड़ता है फिर भी नहीं होता। गाना भी गाते हैं मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, फिर भी नहीं आती। और अंतिम दुष्परिणाम पता है क्या होता है? उनको पेट साफ तो होता नहीं, तो सांस में से भयंकर बदबू आती है। किसी अमेरिकन यूरोपियन के नज़दीक बैठ जाओ, अगर वो लिस्ट्रिन स्प्रे करके नहीं आया तो 1 मिनट नहीं बैठ सकते। हर समय उनको माउथ फ्रेशनर स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि अंतड़ियां साफ नहीं है, कब्जियत है, मल भरा हुआ है उसमें, कचरा जमा है।
फिर उनके पसीने में से भी बदबू आती है, क्यों? कब्जियत बहुत है, और पसीने की बदबू दूर करने के लिए डिओडोरेंट स्प्रे करते रहते हैं। और आप तो सब जानते हो कि अगर कब्जियत है तो बाल भी कड़क रहते हैं, तो उन कड़क बाल को सॉफ्ट करने के लिए क्या क्या सब करते हैं, शैम्पू लगाते हैं, शैम्पू के बाद पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। ये सब वो जो करते हैं ना, उनकी मजबूरी है, स्टेटस सिंबल नहीं है। इसको अपने दिमाग से निकाल दो कि ये कोई स्टेटस सिंबल। तो सरल भाषा में समझाओ, ठंडा पानी पीने से ये होता है, मत पियो, समझ जाएंगे। फिर उनको बोलो सवेरे उठो तो सबसे पहले पानी पियो, फिर उनसे बोलो खाना खाओ तो बैठ के खाओ, कभी भी खाना खाओ तो पूर्व दिशा में सिर करके, सॉरी मुंह करके खाओ, सो तो पूर्व दिशा में। ये अष्टांग हृदय में इतने अद्भुत छोटे छोटी बातें हैं, हैं तो संस्कृत में, लेकिन अब तो उसका हिंदी भी आने लगा है, तो हिंदी ले लो, हिंदी वर्जन ले लो, इसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, और ये जाके गांव में सबको बताओ। फिर उनको कहो देखो ये तो है स्वस्थ रहने के लिए, अब तुम बीमार पड़ो तो बताओ तुम्हारी बीमारी क्या है, ये बीमारी है तो ये दवा है, ये बीमारी है तो ये दवा है। और मेरा आपसे एक निवेदन जरूर है कि अगर आप होम्योपैथी से भी इलाज करो तो उसकी मूल दवा जरूर बता दो उनको, ये ग्रीक और रोमन नाम में मत फंसाओ। आप कहोगे जी मैं तो ऑसिमम दे रहा हूँ, ये उनको कहो ये तो तुलसी का रस है भैया, तुम्हारे घर में फूलों से बनी हुई है, आसानी से मिलती है, जयपुर में मिलती है, दिल्ली में मिलती है, भंडारी वालों को अक्सर ऑर्डर दे के रखो, हमको इतनी भेजो, उनको जो पता चल गया कि आप प्रचार के लिए कर रहे हो तो मुफ्त में भी दे देंगे आपको। तो इस तरह से आप गांव गांव जाओ, छोटे छोटे शिविर लगाओ, गांव वालों को इकट्ठा करो। गांव वाले बहुत दुखी हैं, शहर वाले भी दुखी हैं, वैसे तो वो दुखी हैं, इसका यही सबूत है कि रामदेव जी आए जयपुर में सवेरे 4 बजे तो सब लोग पहुंच जाते हैं, वहाँ पैसा भी देते हैं, समय भी देते हैं। और 4 बजे रामदेव जी कहें टांग ऊपर उठा लो तो उठा लेते हैं, कहें सिर नीचे कर दो तो कर लेते हैं, ऐसे कर लो तो कर लेते हैं। क्यों? परेशान है, दुखी है, शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है, और इतने दुखी हैं कि रामदेव जी तो क्या कोई टिम्बकटू आ जाए उसी के सामने वो आ जाएंगे, और वो दुनिया भर में घूम के आते हैं अपनी अपनी छोटी छोटी बीमारियां लेके। तो इन जो दुखी लोगों का थोड़ा थोड़ा आप मदद कर दो इलाज के रूप में, ये सब आपके भगत हो जाएंगे, और ये भगत हो जाएंगे तो कहो आप भी प्रचार करो इसका, वो भी करें, आप भी करो, तो ये इतना तेजी से मल्टीप्लाई करेगा कि 2-5 साल में एलोपैथी का बाजा बज जाएगा, और बजा देना है अपने को। हाँ, ये संकल्प लेके चलो कि इनका बाजा हमको बजाना है। मैं बहुत जल्दी एक टीवी चैनल शुरू करने जा रहा हूँ एलोपैथी का बाजा बजाने के लिए, इनकी सब पोल खोलनी है मुझे। हाँ, इनकी इतनी पोल हैं मेरे पास, कम से कम मेरे पास कम से कम 1,500 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं जो एलोपैथी के गंदेपन को सिद्ध करने वाले, इनकी निकृष्टता को सिद्ध करने वाले, ये कितने अनसाइंटिफिक हैं वो बताने वाले, कितने डॉगमेटिक हैं वो बताने वाले। मेरे पास ऐसे बहुत इंटरव्यूज हैं बड़े बड़े डॉक्टरों के, वो कहते हैं कि हम कोई डायग्नोसिस नहीं करते, तीर मारते, लग गया तो ठीक, नहीं तो तुक्का। और वो कहते हैं हम तो एक ही सिद्धांत पे काम करते हैं, ट्रायल एंड एरर, देते जाओ गलतियां करते जाओ, देते जाओ गलती, भले मर जाए पेशेंट उसमें। हमारे पास तो कम से कम ये नहीं है ट्रायल एंड एरर वाला, हम तो जानते हैं कि तुलसी है तो उसके ये गुण हैं तो ये रिजल्ट आना ही चाहिए, मेथी है तो उसके ये गुण हैं तो ये रिजल्ट आना ही चाहिए, हमको सब मालूम है, फिक्स है, यहाँ वेरिएशन नहीं है। मेथी के जो रिजल्ट चरक ऋषि को मिले वो आज भी मिलते हैं, इसमें इतना सातत्य है, वेरिएशन कहीं भी नहीं है। तो जो विज्ञान में सातत्य होता है, सत्य ज्ञान वही होता है। तो हमारे पास जो सत्य ज्ञान है इसको लेकर आगे बढ़ें, और इसके अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। छोटी छोटी कुछ बातें आप भी अपने जीवन में करो, ये एलोपैथी में से निकले हुए जो भी बाई प्रोडक्ट्स हैं ना, इनको जीवन में इस्तेमाल मत करो। जैसे टूथपेस्ट, ये तो भारत का नहीं है ना, ये तो एलोपैथी का है, और यूरोप वाले टूथपेस्ट इसलिए घिसते हैं कि मसूड़े बहुत उनके हार्ड हैं, कड़क हैं, क्योंकि बर्फ के नज़दीक रहते हैं, मसूड़े कड़क हैं, तो ब्रश जो है ना प्लास्टिक का भी चलेगा, उसको घिसें तो ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। और दूसरा, उनके पास दांत साफ करने के लिए कुछ है ही नहीं, करें क्या, वो बेचारे परेशान हैं, नीम का दातुन मिले, यूरोप में नीम होता ही नहीं है,
वो परेशान है बबूल का दातुन मिले, बबूल होता ही नहीं है। वो परेशान है दंतमंजन मिले, दंतमंजन होने के लिए 18 जड़ी बूटी लगती हैं, वो होती ही नहीं है। तो ले देके उनके पास एक ही चीज़ है, वो है सोडियम लॉरेल सल्फेट, माने डिटर्जेंट पाउडर, माने शैम्पू। उसी को घिसते हैं दांत में, बनाते हैं झाग, फूकते हैं वॉश बेसिन। और भाव क्या है? 27 रुपए का 100 ग्राम, 1 किलो 270 रुपए का। हम कैसे पागल लोग हैं, 150 रुपए किलो गाय का घी रोटी पे लगा के खाओ, 270 रुपए किलो का कॉलगेट दांत पे रगड़ के वॉश बेसिन में थूको और कहो कि हम बहुत स्मार्ट हैं। तो मैं कहता हूँ और स्मार्ट बनो। तो पूछते हैं करें क्या, मैं बोलता हूँ ये 270 रुपए किलो का इतना महंगा कॉलगेट है, थूकते क्यों हो? इसी कॉलगेट को रोटी पे लगा लगा के खाओ। और वो कहते भी हैं कि इसमें कैल्शियम है, इसमें मिनरल्स हैं, तो खाओगे तभी तो काम आएगा। और खा नहीं सकते तो इंजेक्शन ले लो कॉलगेट के, नहीं तो एनीमा तो ले ही लो, नहीं तो काम कैसे आएगा वो कॉलगेट। इस मूर्खता में मत फंसो। ये कॉलगेट क्लोजअप पेप्सोडेंट सिबाका फॉरेंस यूरोप की मजबूरी है, उनके यहाँ कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पता है क्या है, आयुर्वेद में दांत साफ करने के लिए 12 जड़ी बूटियाँ, 12 तरह के वृक्ष की डंडी, नीम की दातुन, चैत्र के महीने में, सुनो जरा इसको गंभीरता से, हर महीने में अलग दातुन, नीम की दातुन चैत्र के महीने में, बैसाख में बबूल की दातुन, अषाढ़ में आम की दातुन, और मैंने देखा हर महीने में विशेष दातुन। और इतना माइक्रो स्टडी किया गया हजारों साल कि चैत्र के महीने में शरीर की प्रकृति ऐसी रहती है तो नीम ही है जो बैलेंस कर सकता है, तो नीम की दातुन। बैसाख के महीने में ऐसी प्रकृति है तो बबूल बैलेंस करता है, तो बबूल का दातुन। अषाढ़ में ऐसा है तो आम बैलेंस करता है, ये बैलेंस कर। तो इतने बड़े साइंस को छोड़कर आप फंस गए वो कॉलगेट में, ख़त्म करो ये कॉलगेट। हम तो मजबूर नहीं है, गांव गांव में नीम मिलता है, बबूल मिलता है, तो नीम बबूल का दातुन करो, नहीं मिलता तो दंत मंजन करो। ऐसे यूरोप से आए हुआ ये जो शैम्पू है, ये वो लगाते हैं इसलिए कि बाल कड़े हैं, कड़क है, कड़क इसलिए कि पेट साफ नहीं है, कब्जियत है। आपको शैम्पू की क्या जरूरत है, आपको बाल ही साफ करने हैं। तो आयुर्वेदिक औषधि है आंवला रीठा शीका का ही, गांव गांव मिलती है, कहीं से भी ले लो, इकट्ठा करके डिब्बे में रख लो, बराबर मात्रा में मिला लो, एक चम्मच गर्म पानी में डालो, सवेरे उस पानी से बाल धो लो। फिर कोई कहेंगे जी डेंड्रफ हो जाता है, तो उसके लिए नींबू का रस जिंदाबाद, नींबू के रस में थोड़ा गुड़ मिला दो और उसको बाल में लगा लो, सब डेंड्रफ निकलता है। एलोवेरा जिंदाबाद, ग्वार पाठा कहीं भी मिलता है, उसका रस ले लो, बालों में लगा लो, एकदम ठीक कर देगा। अपने पास कुछ कमी नहीं तो अपनी जिंदगी में ये एलोपैथी निकालो। सवेरे ही सवेरे उठते हो, चाय पी लेते हो, कॉफ़ी पी लेते हो, आयुर्वेद कहता है कि ये जो चाय कॉफ़ी पिए तो जिंदगी भर बीमारी ही बीमारी। सवेरे का दिन शुरू करो पानी से, चाय कॉफ़ी से नहीं, तो अपने आप स्वस्थ रहोगे। तो अपने जीवन में भी थोड़ा आयुर्वेद को लाओ, अपने जीवन में खान पान आयुर्वेद के हिसाब से, रहन सहन आयुर्वेद के हिसाब से, आचार व्यवहार आयुर्वेद के हिसाब। खान पान माने जो भारतीय है वही रखो, यूरोपीय अंग्रेजी खान पान, पिज़्ज़ा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग चाउमीन नूडल्स, क्यों फंस गए इसमें, नाम भी बड़े विचित्र हैं, हॉट डॉग गरम कुत्ता, कोल्ड डॉग ठंडा कुत्ता, चाउमीन का क्या मतलब आप नहीं जानते, तो क्यों खा रहे हो? अपने यहाँ बहुत कुछ है खाने पीने के लिए। भारत तो ऐसा अद्भुत देश है कि जिस दिन जन्म लिया और जिस दिन मरो, हर दिन एक नई डिश बना के खा सकते हो, इतनी वैरायटीज हैं इस देश में। ये यूरोप में तो पाव और भाजी माने बर्गर पिज़्ज़ा ये सब पाव से ही बनता है, वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि गेहूं तो है उनके यहाँ, गेहूं अपने यहाँ भी है, गेहूं का आटा बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, आटे को गूंदना नहीं आता उनको, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आज तक वो सीख नहीं पाए और हमने शायद ट्रांसफ़र भी नहीं किया होगा, तो आटा गूंदना नहीं आता, आटे को सड़ाना जानते हैं, तो सड़ाते हैं उसको, 20-20 दिन सड़ता है
और वो सड़े हुए आटे से पाव ही बन सकता है, ब्रेड ही बन सकती है। हम तो आटे को गूंदना जानते हैं, गूंदे हुए आटे में 48 मिनट के अंदर कुछ भी बना लो, पूरी है, कचौरी है, रोटी है, पराठा है, नान है, क्या क्या सब बना लो। उनका सड़ा हुआ आटा दो ही चीज़ बनाएगा, पाव रोटी, डबल रोटी। तो वो पाव रोटी डबल रोटी खाते मजबूरी है, कुछ आता नहीं बनाना, हम क्यों खाएं ये सब। और वहां पाव रोटी खाएंगे सड़ी हुई, तो इसको पचाना है तो कोई एसिडिक चीज पीनी पड़ेगी, तो वो पेप्सी कोक पीते हैं, क्योंकि खाया कचरा है तो पचाना भी वही कचरा, इसलिए पेप्सी कोक पीते हैं। हमको क्या जरूरत है पीने की, हम तो गर्म देश में रहते हैं, हमको तो जरूरत नहीं है। और अगर पेप्सी कोक पीना है तो सोच कर पियो कि इसमें वही एसिड है जिससे टॉयलेट क्लीनर बनता है, और उतना ही एसिड है जितना टॉयलेट क्लीनर में होता है। मैंने एक बार पेप्सी का पीएच कैलकुलेट किया था, 2.4 है, और फिनाइल का पीएच भी 2.4 है, हार्पिक का पीएच भी 2.4 है। तो एक दिन मैंने सोचा हार्पिक से टॉयलेट साफ होता है तो पेप्सी से भी होना चाहिए, मैंने किया और एकदम झकाझक सफेद। उस दिन से मैंने बोलना शुरू किया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। और हम पीते हैं अकेले नहीं, घर में आने वाले मेहमान को भी पिलाते। हाँ, एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को इस ठंडा साफ करने का पानी पिलाते। ये पीने की चीज नहीं है। और अब तो आपको मालूम है ना, पेप्सी कोक में जहर भी है, DDT, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, ये सब पेस्टिसाइड्स। और जो वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करते हैं ना, वो कहते हैं कि 7 साल पेप्सी पियो तो अंतड़ियों में कैंसर हो जाएगा, 5 साल पियो तो नपुंसकता आ जाएगी। वैज्ञानिक तो बोलते हैं कि एक इंजेक्शन पेप्सी ब्लड में लगाओ तो हृदयघात की संभावना पैदा हो जाए। कई वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि गर्भवती माँ अगर कोका कोला पी ले तो गर्भ में बच्चा विकलांग पैदा हो। आंख में पेप्सी कोक डाल दिया तो आंखों की रोशनी चली जाए, दांत डाल दिया तो दांत गायब हो जाता है। अभी ये कोई पीने की चीज है? मत पियो। अपने पास बहुत कुछ है पीने के लिए, संतरे का रस, मौसमी का रस, नींबू की शिकंजी, नारियल का पानी, दही की लस्सी, गाय का दूध, कुछ नहीं मिले तो घड़े का पानी। तो ये अमेरिका और यूरोप से जो कुछ आया ये हमारी जिंदगी में रहे जरूरी नहीं है। डिओडरेंट इस्तेमाल मत करो, वो क्यों करते हैं मैंने बताया, पसीने की बदबू आती है, आपको क्यों आनी चाहिए? और अगर आती है तो पेट ठीक करो, स्प्रे करने से कुछ नहीं होगा। मुंह में लिस्ट्रीन वो स्प्रे करते हैं, पेट साफ नहीं है, आप अपनी कब्जियत ठीक करो। तो उनकी नकल मत करो, क्योंकि वो एक खास तरह की व्यवस्था में रहते हैं, हम दूसरे तरह की व्यवस्था में रहते हैं। ध्यान रखो, वो बहुत ठंड को झेलते हैं, हम इतनी ठंड नहीं झेलते, इसलिए वो चाय कॉफी पिए, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे वो चलेगा, आपका थोड़ा भी बढ़ गया तकलीफ करेगा। तो अपनी जिंदगी में जो आयुर्वेद से आया, जो भारतीय विद्याओं ने सिखाया, वही अपने जीवन में लाओ और जीवन का एक सूत्र बनाओ, भारतीय बने और भारतीय चीजों का ही उपयोग करें। भारतीय भाषा, भारतीय भूषा, भारतीय भोजन, भारतीय भजन और भारतीय भेषज, ये पांचों चीजों का इस्तेमाल करो। भोजन मैंने बता ही दिया, भूषा आप जानते हो, अपनी भारत की भूषा और इंग्लैंड, जमीन आसमान का अंतर है, वो ठंड वाले जगह रहते हैं, टाई सूट पहनना उनके लिए मजबूरी है, हमको टाई सूट पहनने की कोई मजबूरी। अगर 50 डिग्री तापमान में हम सूट और पैंट और टाई पहन के घूमें तो मूर्खों के मूर्ख ही दिखेंगे। बहुत लोगों को मैंने देखा है शादी करने जाते हैं, घोड़े पे चढ़ते हैं, टाई पीस, टाई और थ्री पीस सूट पहन के बैठते हैं, जून के महीने में भयंकर गर्मी में सुपर इडियट बन के जाते हैं। और उनको पूछो भाई ये क्यों कर रहे हो, तो कहते हैं आज तो कर लेने दो, शादी का दिन है, मैंने आज ही सुपर इडियोसिटी दिखानी है आपको शादी के दिन। ये मत करो आप, उनकी भूषा नहीं है, हमारे काम की नहीं है, उनकी भाषा भी हमारे काम की नहीं है। उनकी भाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आप बिना जाने इस्तेमाल मत करो। जैसे कई बार मैं कई लोगों के घर में जाता हूँ, अधकचरे लोग पता है कैसी बात करते हैं, ओ राजीव दीक्षित, शी इज़ माई मिसिज। तो मैं पूछता हूँ रियली शी इज़ योर मिसिज, क्योंकि यूरोप में मिसिज का अर्थ जानते हैं, धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला वो मिसिज होती है।
क्योंकि वहाँ शादी करने की परंपरा नहीं है, 70% लोग बिना शादी के रहते हैं। ऐसे ही वो मिस्टर बात करते हैं, हम क्यों करें? वो आंटी अंकल बोलते हैं क्योंकि उनके यहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं है, परिवार नहीं है, तो परिवार संस्था के कारण संबंध नहीं है। हमारे यहाँ चाचा है, चाची है, मामा है, मामी है, मौसा है, मौसी है, भारतीय भाषा में थोड़ी दम ज़्यादा है इसका ही जीवन में। तो भारत की भाषा, भारत की भूषा, भारत का भोजन, भारत का भजन, भजन माने संगीत, भारतीय संगीत, ये रॉक और पॉप इसमें मत फंसो, ना तो कर्णप्रिय है ना शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। भारतीय संगीत इतना स्लो, इतना मधुर कि आपको म्यूजिक से ही बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएं। आपको मालूम है कभी म्यूजिक थेरेपी रहा है इस देश में? तो वो तो इतनी ऊंचाई वाला है। तो भारतीय भजन और भारतीय भेषज माने औषधि, जितना बने उतना जीवन में आप करो, दूसरों को करने के लिए प्रेरित करो, तो एक दिन ये विदेशी विद्या चली जाएगी, और ये गई तो फिर इस देश को निरोगी रखना, निरापद रखना आसान हो जाएगा, और तब शायद ये सिद्ध होगा, सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप इसको स्वीकार करें और दूसरों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करें। तो आपका आभार। जितना कुछ मैंने बोला, अगर ये पढ़ना हो तो इसकी छोटी छोटी कुछ किताबें बनी हैं, वो नीचे आप जाओगे तो स्टॉल पे हैं, आप ले सकते हैं। सीडी बनी है वो ले सकते हैं। सीडी और किताबों पर मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का कंप्लीट राइट है, क्योंकि भारतीय विद्याओं पर कॉपीराइट नहीं होता। ज्ञान मेरा नहीं है, सबका है। मैंने लिया, आपको दिया, आप किसी और को दो, ये है भारतीयता। यूरोप में होता है ज्ञान को पकड़ के रखो, बेचो इसको भी, हम बेचने में नहीं मानते। तो आप सुनो, दूसरों को सुनाओ, इन्हीं विषयों की सीडी को कॉपी कर करके बांटो, तो शायद इसमें मदद मिले, और ये इतना तेजी से फैले कि जैसे कभी स्वदेशी आंदोलन चला वैसा ही फिर एक आंदोलन चले। और ये साल कुछ विशेष है, भारत में वंदे मातरम का 100वां साल है, स्वदेशी आंदोलन का भी 100वां साल है। 1906 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, 1906 से वंदे मातरम पूरे देश में सार्वजनिक रूप से गाया गया। तो इस ऐतिहासिक वर्ष में कुछ ऐतिहासिक काम हम करें, उसके लिए ईश्वर आपको प्रेरणा दे, ऐसी भावना के साथ आभार, धन्यवाद।